दोस्तों, अगर आप चिरंजीवी की सुपरहिट मूवी भोला शंकर को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो हमारे चैनल एन पिक्चर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है भोला शंकर। ये फिल्म कौन सी है और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। इस फिल्म के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। इस फिल्म में जो हिंदी डब वर्जन है वो किस OTT प्लेटफॉर्म या किस सैटेलाइट चैनल पर आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे और सभी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही हम इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इस फिल्म की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और इस फिल्म की स्टोरी का छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको देने वाला हूँ। इसके अलावा इस फिल्म के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टारकास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से एक्टर्स ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए आप दोस्तों को एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, पिछले एक दशक से सभी देख रहे हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में रीमेक फिल्मों का चलन कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अभी तक की कई फिल्में रीमेक बनी है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसा कमाया है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी है जो बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट निकालने में भी कामयाब नहीं हो पाई, बल्कि पिछले कुछ समय से ऑडियंस का टेस्ट भी बदल रहा है, इसीलिए अधिकांश रीमेक फिल्में सफल नहीं हो पा रही है। खैर, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि रिलीज भोला शंकर के बारे में, जो भोला शंकर हाल ही में 11 अगस्त को रिलीज हुई है। हालांकि एक तेलुगु फिल्म है, लेकिन इसके साथ कई और भाषाओं में फिल्में सिनेमाघरों में टिकी हुई है। इनमें से एक तमिल फिल्म जेलर है जो कि 10 अगस्त है रिलीज हुई थी और रजनीकांत लीड रोल में है, जबकि हिंदी बेल्ट में गदर 2 और OMG 2 रिलीज हुई है। साथ ही 11 अगस्त को ही एक हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन भी रिलीज हुई है, जो कि सिनेमाघरों में नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। भोला शंकर फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो फिल्म ने चिरंजीवी ने शंकर टैक्सी ड्राइवर का रोल प्ले किया है। इनके अलावा फिल्म में कीर्ति सुरेश इनकी बहन के रोल में नजर आई है। साथ ही तमन्ना ने अब फिल्म में अधिवक्ता लक्ष्य का किरदार निभाया है। बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन मेहर रमेश ने किया है। 2015 की इसीलिए तमिल फिल्म का रीमेक है। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि चिरंजीवी स्टारिंग भोला शंकर साल 2015 में रिलीज हुई तमिल सुपरस्टार अजित कुमार की फिल्म वेदालम का ऑफिशियल रीमेक है। इसलिए फिल्म देखते हुए उसकी कहानी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम नहीं है। भोला शंकर फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो जिन्होंने फिल्म वेदालम देखी है उन्होंने पता है कि फिल्म की कहानी क्या होने वाली है, इसलिए इसका स्पॉइलर देने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे फिर भी इसके बारे में बात करें तो इसकी कहने की शुरुआत होती है महिला तस्करी से। शंकर अपनी बहन महा यानी कि कीर्ति सुरेश के साथ कोलकाता रहने के लिए आता है। इसी दौरान अपना जीवन चलाने के लिए अपनी बहन की पढ़ाई पूरी करने के लिए शंकर एक टैक्सी ड्राइवर का काम करने लग जाता है, लेकिन पुलिस वालों की मदद करने के लिए एक बार वो बुरी तरह से फंस जाता है। अब शंकर का एक अतीत है जिसके बारे में वो किसी को बताता नहीं चाहता है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो सामने आ ही जाता है। उसे अपने परिवार को भी बचाना है, साथ ही में वह सबसे अलग रहना है। ऐसे में वो कैसे इन सभी समस्याओं का सामना करता है और कैसे इन सब से बाहर निकलता है, ये आपको फिल्म में दिखाया जाएगा। एक्टिंग के मामले में देखा जाए तो अजय तो फिल्म में चिरंजीवी अपनी जगह फिट दिखाई देते हैं और तमन्ना भी अपनी जगह सही है, लेकिन कीर्ति सुरेश को काफ़ी कम स्क्रीन पेस दिया गया है, जबकि वो एक सुलझी हुई एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस के लिहाज से देखा जाए तो अजय तो सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन पे को देखकर नए नेगेटिव पॉइंट निकल कर सामने आते हैं। फिल्म में नेगेटिव पॉइंट बताने से पहले इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। फिल्म का प्लस पॉइंट सिर्फ एक चिरंजीवी है
उनकी डायलॉग डिलीवरी, एक्शन हो या फिर डांस, सभी में उन्हें महत्तर हासिल और थिएटरों में सीटियां और तालियां बजवाने के लिए इतना काफ़ी है। इसके अलावा फिल्म का प्लस पॉइंट यह हमें नज़र नहीं आता है। अब बात करेंगे भोला शंकर फिल्म के कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में, क्योंकि 2015 में आई वेदालम की रीमेक है, इसीलिए इस फिल्म में सभी को उम्मीद थी, लेकिन उन्हें फिल्म में कुछ तो नया देखने को नहीं मिला, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिल्म में लगभग सभी सीन कॉपी किए गए हैं। इसके अलावा वेदालम आज से करीब 8 साल पुरानी है, इसीलिए भोला शंकर को थोड़ा अपग्रेड करने के लिए बाद दिखाना चाहिए था। आपने देखा होगा कि फिल्म वेदालम के लिए अजित कुमार ने काफ़ी मेहनत की थी, खासकर अपने लुक के लिए उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि अलग अलग टाइम लाने के लिए उन्होंने अलग अलग लुक्स अपनाए थे, जबकि वही दूसरी ओर चिरंजीवी ने इन सब चीज़ों में ज़्यादा मेहनत नहीं की है। फिल्म में कई सीन्स ऐसे हैं जो हूबहू अजित कुमार के वेदालम की कॉपी किए गए हैं। साथ ही स्टोरी एक जैसी होने की वजह से ऑडियंस को देखते हुए पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। इन सब के अलावा फिल्म का म्यूजिक भी कुछ खास नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर ने इन सब पर सही ढंग से काम नहीं किया है। ओरिजिनल ब्लॉकबस्टर तो सभी इसके भरोसे रही है। बाकी स्टार्स की तरह अगर चिरंजीवी को भी आगे काम करना है तो रीमेक फिल्मों से परहेज करना होगा, क्योंकि इससे पहले भी वो कई रीमेक कर चुके हैं। इन फिल्मों में कैदी नंबर 150 और गॉडफादर जैसी फिल्में शामिल है। एक टाइम था जब चिरंजीवी को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड कायम करती थी। हालांकि उनकी फैन फॉलोइंग अभी भी काफ़ी है, लेकिन अगर ऐसा रहा तो इनका करियर भी खत्म हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। इस मूवी के स्टोरी लाइन की बात करें तो शंकर एक टैक्सी ड्राइवर है जो अपनी प्यारी बहन महालक्ष्मी के साथ हैदराबाद से कोलकाता की यात्रा पर निकलता है। एक कला महाविद्यालय में उसका प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए कोलकाता में उनका आगमन उन्हें कोलकाता काली से परिचित कराता है, जो एक अप्रत्याशित दोस्त बन जाती है और सहायता की पेशकश करती है। वहाँ के कॉलेज में बसने के साथ शंकर वामसी की कैब कंपनी में शामिल हो गया, जिससे उसकी मुलाकात भयंकर वकील लस्या से हुई। लस्या ने चालाकी से शंकर को एक नाटक में शामिल किया, जहां वह अपना एक मामले में मुख्य प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत हुआ। हालांकि शंकर के अप्रत्याशित शब्द चाल का पर्दाफाश करते देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक शर्मनाक प्रकरण सामने आता है। वामसी ने शंकर को लस्या के क्रोध से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, जिससे लस्या और वामसी के बीच गठबंधन का मंच तैयार हुआ, जबकि भावनाएं प्रतिशोध के जाल में उलझी हुई थी। सतह के नीचे जब यह पता चलता है कि वह महा और श्रीकर को गुप्त रूप से प्यार हो गया है, तो मंच पर एक मोड़ आ जाता है, जिसके अप्रत्याशित परिणाम उनके भाग्य में उलझ जाते हैं। शंकर और उसके साथी कैब ड्राइवर को भी डीसीपी यशपाल द्वारा एक कुख्यात अपराध सिंडिकेट की भयावह कार्यप्रणाली का पता लगाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। शंकर को हथियारों की तस्करी का सामना एक मामला मिलता है, जिससे कुर्क बैटली और उसके गुर्ग क्रोधित हो जाते हैं। एक मुठभेड़ शुरू हो जाती है जब शंकर अकेले ही बैटली से भिड़ जाता है। पता चलता है कि ब्रेडली शंकर का लंबे समय से खोया हुआ भाई है, जो कि एक दुखद गलतफहमी के कारण बचपन में अलग हो गया था। साल्स ब्रेडली का भाई सामने आ रही अराजकता की जांच करने के लिए आता है। जब शंकर साल्स और उसके दोस्त का सामना करता है तो एक टकराव शुरू हो जाता है। साल्स ने अपनी दुखद अतीत का खुलासा किया, जिससे शंकर और साल्स के बीच के एक आम दुश्मन के खिलाफ गठबंधन हुआ। लस्या शंकर की खोज में टकराव का गवाह बनती है, जिससे वह अपने कर्तव्य और उसके प्रति बढ़ते स्नेह के बीच फंस जाती है। जैसे ही शंकर की दोहरी पहचान के बारे में सच्चाई सामने आती है, तो लस्या को एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है, जो हर किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है। फ्लैशबैक दर्शकों की एक श्रृंखला में शंकर और महालक्ष्मी के पहले के जीवन की झलक मिलती है, जहाँ कुख्यात जोड़ी होला और महा न्याय लागू करने वालों से डरती थी। उन्हें रास्ते में महालक्ष्मी के माता पिता के साथ टकराए गए, जिससे घटनाएं की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जो उन्हें नीति के साथ टकराव की राह पर ले जाएगी। वर्तमान में शंकर की अपने नए परिवार के प्रति वफादारी की प्रतीक्षा होती है, क्योंकि वह चालक
सिंडिकेट मास्टरमाइंड एलेक्स से महालक्ष्मी को बचाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ लगाता है। कोलकाता की भूलभुलैया वाली सड़कों पर पीछा करने की परिणीति एक टकराव में होती है, जहां शंकर को एलेक्स के अपने अतीत से संबंध के बारे में छोकाने वाली सच्चाई का पता लगाना होता है। जैसे यह धूल जम जाती है और भाग्य के धागे आपस में जुड़ जाते हैं, शंकर और महालक्ष्मी हैदराबाद लौट आते हैं। उनका जीवन एक ऐसी यात्रा से हमेशा के लिए बदल जाता है, जिससे लंबे समय से दबे हुए रजसों का उजागर किया, खोए हुए बंधनों को फिर से जगाया और प्यार, वफादारी और मुक्ति की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया। प्रारंभ में साई पल्लवी को फिल्म में सिरंजीवी की बहन की भूमिका के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें रीमेक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके स्थान पर कीर्ति सुरेश को लिया गया। संगीत निर्देशक मनीष शर्मा के बेटे महती सागर को इस फिल्म में संगीतकार के रूप में शामिल किया गया था। सही राह नरसिम्हा रेड्डी के बाद उनके दूसरे सहयोग में चिरंजीवी के साथ तमन्ना भाटिया को कास्ट किया गया है। 11 नवंबर 2021 को एक आधिकारिक लॉन्च आयोजित किया गया था। उन्होंने 15 नवंबर 2021 को फिल्मांकन की शुरू किया और मई 2023 में शूटिंग का आखिर दौर पूरा किया। अजिस्टर वेदालम के इस प्राचीन रीमेक के साथ मेहर रश अपनी किस्मत और आपकी हिम्मत दोनों का परीक्षण करते हैं। यह फिल्म जो एक व्यावसायिक पॉट बॉयलर बनने का वादा करती है, अंत में तीन अलग अलग कहानियों का मिश्रण है। इससे भी बुरी बात यह है कि सभी कहानियां सबसे अच्छी और स्थिति में पुरानी है और सबसे खराब स्थिति में भी कहानियां है। शंकर अपनी बहन महालक्ष्मी नेका मायन के महाकीर्ति सुरेश को एक कला व महाविद्यालय में जाने के लिए हैदराबाद से कोलकाता आते हैं। वह रोड शो के लिए घर गई और उसके मुलाकात एक आपराधिक वकील लाश्या से हुई। लाश्या का भाई श्रीकर यानी कि सुशांत ये महा के प्यार में पड़ जाता है, भले ही खुद पर शंकर के साथ प्रेम नफरत का रिश्ता सजा करता है। और जब मेयर लाश्या पर चुटकुले सुनाना मूड को प्रभावित करने के लिए ब्रह्मानंदम और वेनेला किशोर को शामिल करने के लिए आदि में शामिल हो गए, तो कोलकाता में कुछ और भी गंभीर हो रहा है। आप देखिए, शहर में भर में युवा में लड़कियों का अपहरण हो रहा है और पुलिस वालों की लापरवाही कानून परिवर्तन के पास माफिया को पकड़ने के बारे में कोई सुराग नहीं है। फिल्म की शुरुआत शंकर को एक भोले आदमी के रूप में स्थापित करने से होती है, जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। हालांकि जैसी जैसी फिल्म आगे चलती है तो हमें दिखाया जाता है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाया गया है। और अगर आप किसी भारतीय फिल्म का आलंकन किया है तो कौन नायक आदर्श और तो अपने आप पहले से ही जान ले कि यह सब किस ओर जा रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म का पहला भाग कई टैक्स के बीच घूम रहा है, जिसमें मेहर कुछ सीरियस टू चुटकुले सुनाने के और अच्छे उपाय के लिए दोस्त गीत के बीच संघर्ष कर रही है, क्योंकि क्यों नहीं। बाद में किसी भी फिल्म ने कुछ खास बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इंटरवल ने आपको सबसे घटिया पोस्ट की फिल्म के अंतिम चरण के कुछ दृश्य ही सबसे अच्छे है। मेहर फैन सर्विस में चिरंजीवी के स्टारडम बारे में संवाद के सूत्र है जो हमेशा काम नहीं करते हैं। वह रामचरण या पावन कल्याण के अपनी टोपी के देने की भी बहुत कोशिश करती है। श्रीमुखी और रश्मि गौतम को केवलम वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए लाया गया है और चिरंजीवी के साथ श्रीमुखी के कुछ दृश्य आपको याद आएंगे। इस फिल्म में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन कुछ भी जमीन पर उतरना नहीं दिख रहा है। महती स्वरा सागर का संगीत सबसे अच्छा है, हालांकि डुडले की सिनेमेटोग्राफी फिल्म को मदद करती है। चिरंजीवी को अपने किरदारों में जानवादी पूरी खुशी कोशिश की है, लेकिन एक पुरानी फिल्म को ऊंचा उठाने में के लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी नया नहीं है। हमेशा की तरह प्रसिद्ध कीर्ति सुरेश ने अपनी भूमिका निभाई है। दोस्तों, पिछले एक दशक से सभी देख रहे हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में रीमेक फिल्मों का चलन कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अभी तक की कई फिल्में रीमेक बनी है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसा कमाया है,
लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट निकालने में भी कामयाब नहीं हो पाई, बल्कि पिछले कुछ समय से ऑडियंस का टेस्ट भी बदल रहा है, इसीलिए अधिकांश रीमेक फिल्में सफल नहीं हो पा रही है। खैर, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि रिलीज भोला शंकर के बारे में, जो भोला शंकर हाल ही में 11 अगस्त को रिलीज हुई है। हालांकि एक तेलुगु फिल्म है, लेकिन इसके साथ कई और भाषाओं में फिल्में सिनेमाघरों में टिकी हुई है। इनमें से एक तमिल फिल्म जेलर है, जो कि 10 अगस्त रिलीज हुई थी और रजनीकांत लीड रोल में है, जबकि हिंदी बेल्ट में गदर 2 और ओएमजे 2 रिलीज हुई है। साथ ही 11 अगस्त को ही एक हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन भी रिलीज हुई है, जो कि सिनेमाघरों में नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। भोला शंकर फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो फिल्म ने चिरंजीवी ने शंकर टैक्सी ड्राइवर का रोल प्ले किया है। इनके अलावा फिल्म में कीर्ति सुरेश इनकी बहन के रोल में नजर आई है। साथ ही तमन्ना ने अब फिल्म में अधिवक्ता लक्ष्य का किरदार निभाया है। बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन मेहर रमेश ने किया है। 2015 की इसीलिए तमिल फिल्म का रीमेक है। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि चिरंजीवी स्टारिंग भोला शंकर साल 2015 में रिलीज हुई तमिल सुपरस्टार अजित कुमार की फिल्म वेदालम का ऑफिशियल रीमेक है, इसलिए फिल्म देखते हुए उसकी कहानी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम नहीं है। भोला शंकर फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो जिन्होंने फिल्म वेदालम देखी उन्होंने पता है कि फिल्म की कहानी क्या होने वाली है, इसलिए इसका स्पॉइलर देने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे फिर भी इसके बारे में बात करें तो इसकी कहने की शुरुआत होती है महिला तस्करी से। शंकर अपनी बहन महा यानी कि कीर्ति सुरेश के साथ कोलकाता रहने के लिए आता है। इसी दौरान अपना जीवन चलाने के लिए अपनी बहन की पढ़ाई पूरी करने के लिए शंकर एक टैक्सी ड्राइवर का काम करने लग जाता है, लेकिन पुलिस वालों की मदद करने के लिए एक बार वो बुरी तरह से फंस जाता है। अब शंकर का एक अतीत है जिसके बारे में वो किसी को बताता नहीं चाहता है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो सामने आ ही जाता है। उसे अपने परिवार को भी बचाना है, साथ ही में वह सबसे अलग रहना है। ऐसे में वो कैसे इन सभी समस्याओं का सामना करता है और कैसे इन सब से बाहर निकलता है, ये आपको फिल्म में दिखाया जाएगा। एक्टिंग के मामले में देखा जाए तो अजय तो फिल्म में चिरंजीवी अपनी जगह फिट दिखाई देते हैं और तमन्ना भी अपनी जगह सही है, लेकिन कीर्ति सुरेश को काफ़ी कम स्क्रीन पेश दिया गया है, जबकि वो एक सुलझी हुई एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस के लिहाज से देखा जाए तो अजय तो सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन पे को देखकर नए नेगेटिव पॉइंट निकलकर सामने आते हैं। फिल्म में नेगेटिव पॉइंट बताने से पहले इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। फिल्म का प्लस पॉइंट सिर्फ चिरंजीवी है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, एक्शन हो या फिर डांस, सभी में उन्हें महत्तर हासिल और थिएटरों में सीटियाँ और तालियाँ बजवाने के लिए इतना काफ़ी है। इसके अलावा फिल्म का प्लस पॉइंट यह हमें नज़र नहीं आता है। अब बात करेंगे भोला शंकर फिल्म के कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में, क्योंकि 2015 में आई वेदालम की रीमेक है, इसीलिए इस फिल्म में सभी को उम्मीद थी, लेकिन उन्हें फिल्म में कुछ तो नया देखने को नहीं मिला, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिल्म में लगभग सभी सीन कॉपी किए गए हैं। इसके अलावा वेदालम आज से करीब 8 साल पुरानी है, इसीलिए भोला शंकर को थोड़ा अपग्रेड करने के लिए बात दिखाना चाहिए था। आपने देखा होगा कि फिल्म वेदालम के लिए अजित कुमार ने काफ़ी मेहनत की थी, खासकर अपने लुक के लिए उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि अलग अलग टाइम लाने के लिए उन्होंने अलग अलग लुक्स अपनाए थे, जबकि वही दूसरी ओर चिरंजीवी ने इन सब चीज़ों में ज़्यादा मेहनत नहीं की है। फिल्म में कई सीन्स ऐसे हैं जो हूबहू अजित कुमार की वेदालम की कॉपी किए गए हैं। साथ ही स्टोरी एक जैसी होने की वजह से ऑडियंस को देखते हुए पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। इन सब के अलावा फिल्म का म्यूजिक भी कुछ खास नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर ने इन सब पर सही ढंग से काम नहीं किया है। ओरिजिनल ब्लॉकबस्टर तो सभी इसके भरोसे रही है। बाकी स्टार्स की तरह अगर चिरंजीवी को भी आगे काम करना है तो रीमेक फिल्मों से परहेज करना होगा, क्योंकि इससे पहले भी वो कई रीमेक कर चुके हैं। इन फिल्मों में कैदी नंबर 150 और गॉडफादर जैसी फिल्में शामिल है। एक टाइम था जब चिरंजीवी को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड कायम करती थी। हालांकि उनकी फैन फॉलोइंग अभी भी काफ़ी
है, लेकिन अगर ऐसा रहा तो इनका करियर भी खत्म हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। इस मूवी के स्टोरी लाइन की बात करें तो शंकर एक टैक्सी ड्राइवर है जो अपनी प्यारी बहन महालक्ष्मी के साथ हैदराबाद से कोलकाता की यात्रा पर निकलता है। एक कला महाविद्यालय में उसका प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए कोलकाता में उनका आगमन उन्हें कोलकाता काली से परिचित कराता है, जो एक अप्रत्याशित दोस्त बन जाती है और सहायता की पेशकश करती है। वहाँ के कॉलेज में बसने के साथ शंकर वामसी की कैब कंपनी में शामिल हो गया, जिससे उसकी मुलाकात भयंकर वकील लस्या से हुई। लस्या ने चालाकी से शंकर को एक नाटक में शामिल किया, जहां वह अपना एक मामले में मुख्य प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत हुआ। हालांकि शंकर के अप्रत्याशित शब्द चाल का पर्दाफाश करते देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक शर्मनाक प्रकरण सामने आता है। वामसी ने शंकर को लस्या के क्रोध से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, जिससे लस्या और वामसी के बीच गठबंधन का मंच तैयार हुआ, जबकि भावनाएं प्रतिशोध के जाल में उलझी हुई थी। सतह के नीचे जब यह पता चलता है कि वह महा और शिखर को गुप्त रूप से प्यार हो गया है, तो मंच पर एक मोड़ आ जाता है, जिसके अप्रत्याशित परिणाम उनके भाग्य में उलझ जाते हैं। शंकर और उसके साथी कैब ड्राइवर को भी डीसीपी यशपाल द्वारा एक कुख्यात अपराध सिंडिकेट की भयावह कार्यप्रणाली का पता लगाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। शंकर को हथियारों की तस्करी का सामना एक मामला मिलता है, जिससे कुर्क बैटली और उसके गुर्ग क्रोधित हो जाते हैं। एक मुठभेड़ शुरू हो जाती है जब शंकर अकेले ही ब्रेटली से भिड़ जाता है। पता चलता है कि ब्रेटली शंकर का लंबे समय से खोया हुआ भाई है, जो कि एक दुखद गलतफहमी के कारण बचपन में अलग हो गया था। साल्स ब्रेटली का भाई सामने आ रही अराजकता की जांच करने के लिए आता है। जब शंकर साल्स और उसके दोस्त का सामना करता है तो एक टकराव शुरू हो जाता है। साल्स ने अपनी दुखद अतीत का खुलासा किया, जिससे शंकर और साल्स के बीच के एक आम दुश्मन के खिलाफ गठबंधन हुआ। लस्या शंकर की खोज में टकराव का गवाह बनती है, जिससे वह अपने कर्तव्य और उसके प्रति बढ़ते स्नेह के बीच फंस जाती है। जैसे ही शंकर की दोहरी पहचान के बारे में सच्चाई सामने आती है, तो लस्या को एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है, जो हर किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है। फ्लैशबैक दर्शकों की एक श्रृंखला में शंकर और महालक्ष्मी के पहले के जीवन की झलक मिलती है, जहां कुख्यात जोड़ी भोला और महा न्याय लागू करने वालों से डरती थी। उन्हें रास्ते में महालक्ष्मी के माता पिता के साथ टकराए गए, जिससे घटनाएं की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जो उन्हें नीति के साथ टकराव की राह पर ले जाएगी। वर्तमान में शंकर के अपने नए परिवार के प्रति वफादारी की प्रतीक्षा होती है, क्योंकि वह चालक सिंडिकेट मास्टरमाइंड एलेक्स से महालक्ष्मी को बचाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ लगाता है। कोलकाता की भूलभुलिया वाली सड़कों पर पीछा करने की परिणित एक टकराव में होती है, जहां शंकर को एलेक्स के अपने अतीत से संबंध के बारे में छोकाने वाली सच्चाई का पता लगाना होता है। जैसे ही धूल जम जाती है और भाग्य के धागे आपस में जुड़ जाते हैं, शंकर और महालक्ष्मी हैदराबाद लौट आते हैं। उनका जीवन एक ऐसी यात्रा से हमेशा के लिए बदल जाता है, जिससे लंबे समय से दबे हुए रजस्वों का उजागर किया, खोए हुए बंधनों को फिर से जगाया और प्यार, वफादारी और मुक्ति की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया। प्रारंभ में साई पल्लवी को फिल्म में सिरंजीवी की बहन की भूमिका के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें रीमेक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके स्थान पर कीर्ति सुरेश को लिया गया। संगीत निर्देशक मनीष शर्मा के बेटे महती सुरासागर को इस फिल्म में संगीतकार के रूप में साइन किया गया था। सही राह नरसिम्हा रेड्डी के बाद उनके दूसरे सहयोग में चिरंजीवी के साथ तमन्ना पाठिया को कास्ट किया गया है। 11 नवंबर 2021 को एक आधिकारिक लॉन्च आयोजित किया गया था। उन्होंने 15 नवंबर 2021 को फिल्मांकन के शुरू किया और मई 2023 में शूटिंग का आखिरी दौर पूरा किया। अजिस्टर वेदालम के इस प्राचीन रीमेक के साथ मेहर रश अपनी किस्मत और आपकी हिम्मत दोनों का परीक्षण करते हैं। यह फिल्म जो एक व्यावसायिक पॉट बॉयलर बनने का वादा करती है,
अंत में तीन अलग अलग कहानियों का मिश्रण है। इससे भी बुरी बात यह है कि सभी कहानियाँ सबसे अच्छी अवस्थित में पुरानी है और सबसे खराब स्थिति में भी कहानियाँ है। शंकर अपनी बहन महालक्ष्मी नेका मायन की महाकीर्ति सुरेश को एक कला व महाविद्यालय में जाने के लिए हैदराबाद से कोलकाता आते हैं। वह रोड शो के लिए घर गई और उसकी मुलाकात एक आपराधिक वकील लस्या से हुई। लस्या का भाई श्रीकर यानी कि सुशांत ये महा के प्यार में पड़ जाता है, भले ही खुद पर शंकर के साथ प्रेम नफरत का रिश्ता सजा करता है। और जब मेयर लस्या पर चुटकुले सुनाना मूड को प्रभावित करने के लिए ब्रह्मानंदम और वेनेला किशोर को शामिल करने के लिए आदि में शामिल हो गए तो कोलकाता में कुछ और भी गंभीर हो रहा है। आप देखिए, शहर में भर में युवा में लड़कियों का अपहरण हो रहा है और पुलिस वालों की लापरवाही कानून परिवर्तन के पास माफिया को पकड़ने के बारे में कोई सुराग नहीं है। फिल्म की शुरुआत शंकर को एक भोले आदमी के रूप में स्थापित करने से होती है जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। हालांकि जैसी जैसी फिल्म आगे चलती है तो हमें दिखाया जाता है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाया गया है। और अगर आप किसी भारतीय फिल्म का आलंकन किया है तो कौन नायक आदर्श और तो अपने आप पहले से ही जान ले कि यह सब किस ओर जा रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म का पहला भाग कई टैक्स के बीच घूम रहा है जिसमें मेहर कुछ सीरियस टू चुटकुले सुनाने के और अच्छे उपाय के लिए दोस्त गीत के बीच संघर्ष कर रही है, क्योंकि क्यों नहीं। बाद में किसी भी फिल्म ने कुछ खास बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इंटरवल ने आपको सबसे घटिया पोस्ट की फिल्म के अंतिम शरण के कुछ दृश्य ही सबसे अच्छे है। मेहर फैन सर्विस में चिरंजीवी के स्टारडम बारे में संवाद के सूत्र है जो हमेशा काम नहीं करते हैं। वह रामचरण या पावन कल्याण के अपनी टोपी के देने की भी बहुत कोशिश करती है। श्रीमुखी और रश्मि गौतम को केवलम वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए लाया गया है और चिरंजीवी के साथ श्रीमुखी के कुछ दृश्य आपको याद आएंगे। इस फिल्म में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन कुछ भी जमीन पर उतरना नहीं दिख रहा है। महति स्वरा सागर का संगीत सबसे अच्छा है, हालांकि डुडले की सिनेमेटोग्राफी फिल्म को मदद करती है। चिरंजीवी को अपने किरदारों में जानवादी पूरी खुशी कोशिश की है, लेकिन एक पुरानी फिल्म को ऊंचा उठाने में के लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं जिसमें कुछ भी नया नहीं है। हमेशा की तरह प्रसिद्ध कीर्ति सुरेश ने अपनी भूमिका निभाई है। दोस्तों, पिछले एक दशक से सभी देख रहे हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में रीमेक फिल्मों का चलन कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अभी तक की कई फिल्में रीमेक बनी हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसा कमाया है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट निकालने में भी कामयाब नहीं हो पाई, बल्कि पिछले कुछ समय से ऑडियंस का टेस्ट भी बदल रहा है, इसलिए अधिकांश रीमेक फिल्में सफल नहीं हो पा रही है। खैर, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि रिलीज भोला शंकर के बारे में, जो भोला शंकर हाल ही में 11 अगस्त को रिलीज हुई है। हालांकि एक तेलुगु फिल्म है, लेकिन इसके साथ कई और भाषाओं में फिल्में सिनेमाघरों में टिकी हुई है। इनमें से एक तमिल फिल्म जेलर है जो कि 10 अगस्त रिलीज हुई थी और रजनीकांत लीड रोल में है, जबकि हिंदी बेल्ट में गदर 2 और ओएमजे 2 रिलीज हुई है। साथ ही 11 अगस्त को ही एक हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन भी रिलीज हुई है जो कि सिनेमाघरों में नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। भोला शंकर फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो फिल्म ने चिरंजीवी ने शंकर टैक्सी ड्राइवर का रोल प्ले किया है। इनके अलावा फिल्म में कीर्ति सुरेश इनकी बहन के रोल में नजर आई है। साथ ही तमन्ना ने अब फिल्म में अधिवक्ता लस्य का किरदार निभाया है। बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन मेहर रमेश ने किया है। 2015 की इसीलिए तमिल फिल्म का रीमेक है। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि चिरंजीवी स्टारिंग भोला शंकर साल 2015 में रिलीज हुई तमिल सुपरस्टार अजित कुमार की फिल्म वेदालम का ऑफिशियल रीमेक है, इसलिए फिल्म देखते हुए उसकी कहानी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम नहीं है।
भोला शंकर फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो जिन्होंने फिल्म वेदालम देखी उन्होंने पता है कि फिल्म की कहानी क्या होने वाली है, इसलिए इसका स्पॉइलर देने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे फिर भी इसके बारे में बात करें तो इसकी कहने की शुरुआत होती है महिला तस्करी से। शंकर अपनी बहन महा यानी कि कीर्ति सुरेश के साथ कोलकाता रहने के लिए आता है। इसी दौरान अपना जीवन चलाने के लिए अपनी बहन की पढ़ाई पूरी करने के लिए शंकर एक टैक्सी ड्राइवर का काम करने लग जाता है, लेकिन पुलिस वालों की मदद करने के लिए एक बार वो बुरी तरह से फंस जाता है। अब शंकर का एक अतीत है जिसके बारे में वो किसी को बताता नहीं चाहता है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो सामने आ ही जाता है। उसे अपने परिवार को भी बचाना है, साथ ही में वह सबसे अलग रहना है। ऐसे में वो कैसे इन सभी समस्याओं का सामना करता है और कैसे इन सब से बाहर निकलता है, ये आपको फिल्म में दिखाया जाएगा। एक्टिंग के मामले में देखा जाए तो अजय तो फिल्म में चिरंजीवी अपनी जगह फिट दिखाई देते हैं और तमन्ना भी अपनी जगह सही है, लेकिन कीर्ति सुरेश को काफ़ी कम स्क्रीन पेश दिया गया है, जबकि वो एक सुलझी हुई एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस के लिहाज से देखा जाए तो अजय तो सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन पे को देखकर नए नेगेटिव पॉइंट निकलकर सामने आते हैं। फिल्म में नेगेटिव पॉइंट बताने से पहले इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। फिल्म का प्लस पॉइंट सिर्फ चिरंजीवी है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, एक्शन हो या फिर डांस, सभी में उन्हें महत्तर हासिल और थिएटरों में सीटियाँ और तालियां बजवाने के लिए इतना काफ़ी है। इसके अलावा फिल्म का प्लस पॉइंट यह हमें नज़र नहीं आता है। अब बात करेंगे भोला शंकर फिल्म के कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में, क्योंकि 2015 में आई वेदालम की रीमेक है, इसीलिए इस फिल्म में सभी को उम्मीद थी, लेकिन उन्हें फिल्म में कुछ तो नया देखने को नहीं मिला, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिल्म में लगभग सभी सीन कॉपी किए गए हैं। इसके अलावा वेदालम आज से करीब 8 साल पुरानी है, इसीलिए भोला शंकर को थोड़ा अपग्रेड करने के लिए बात दिखाना चाहिए था। आपने देखा होगा कि फिल्म वेदालम के लिए अजित कुमार ने काफ़ी मेहनत की थी, खासकर अपने लुक के लिए उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि अलग अलग टाइम लाने के लिए उन्होंने अलग अलग लुक्स अपनाए थे, जबकि वही दूसरी ओर चिरंजीवी ने इन सब चीज़ों में ज़्यादा मेहनत नहीं की है। फिल्म में कई सीन्स ऐसे हैं जो हूबहू अजित कुमार की वेदालम की कॉपी किए गए हैं। साथ ही स्टोरी एक जैसी होने की वजह से ऑडियंस को देखते हुए पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। इन सब के अलावा फिल्म का म्यूजिक भी कुछ खास नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर ने इन सब पर सही ढंग से काम नहीं किया है। ओरिजिनल ब्लॉकबस्टर तो सभी इसके भरोसे रही है। बाकी स्टार्स की तरह अगर चिरंजीवी को भी आगे काम करना है तो रीमेक फिल्मों से परहेज करना होगा, क्योंकि इससे पहले भी वो कई रीमेक कर चुके हैं। इन फिल्मों में कैदी नंबर 150 और गॉडफादर जैसी फिल्में शामिल है। एक टाइम था जब चिरंजीवी को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड कायम करती थी, हालांकि उनकी फैन फॉलोइंग अभी भी काफ़ी है, लेकिन अगर ऐसा रहा तो इनका करियर भी खत्म हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। इस मूवी के स्टोरी लाइन की बात करें तो शंकर एक टैक्सी ड्राइवर है जो अपनी प्यारी बहन महालक्ष्मी के साथ हैदराबाद से कोलकाता की यात्रा पर निकलता है। एक कला महाविद्यालय में उसका प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए कोलकाता में उनका आगमन उन्हें कोलकाता काली से परिचित कराता है, जो एक अप्रत्याशित दोस्त बन जाती है और सहायता की पेशकश करती है। महा के कॉलेज में बसने के साथ शंकर वामसी की कंपनी में शामिल हो गया, जिससे उसकी मुलाकात भयंकर वकील लस्या से हुई। लस्या ने चालाकी से शंकर को एक नाटक में शामिल किया, जहां वह अपना एक मामले में मुख्य प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत हुआ। हालांकि शंकर के अप्रत्याशित शब्द चाल का पर्दाफाश करते देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक शर्मनाक प्रकरण सामने आता है। वामसी ने शंकर को लस्या के क्रोध से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, जिससे लस्या और वामसी के बीच गठबंधन का मंच तैयार हुआ, जबकि भावनाएं प्रतिशोध के जाल में उलझी हुई थी। सतह के नीचे जब यह पता चलता है कि वह महा और श्रीकर को गुप्त रूप से प्यार हो गया है, तो मंच पर एक मोड़ आ जाता है, जिसके अप्रत्याशित परिणाम उनके भाग्य में उलझ जाते हैं। शंकर और उसके साथी कैब ड्राइवर को भी डीसीपी यशपाल द्वारा एक कुख्यात अपराध सिंडिकेट की भयावह कार्यप्रणाली का पता लगाने के लिए
सूचीबद्ध किया गया है। शंकर को हथियारों की तस्करी का सामना एक मामला मिलता है जिससे कुर्क बैटले और उसके गुर्गे क्रोधित हो जाते हैं। एक मुठभेड़ शुरू हो जाती है जब शंकर अकेले ही ब्रेटली से भीड़ जाता है। पता चलता है कि ब्रेटली शंकर का लंबे समय से खोया हुआ भाई है जो कि एक दुखद गलतफहमी के कारण बचपन में अलग हो गया था। साल्स ब्रेटली का भाई सामने आ रही अराजकता की जांच करने के लिए आता है। जब शंकर साल्स और उसके दोस्त का सामना करता है तो एक टकराव शुरू हो जाता है। साल्स ने अपनी दुखद अतीत का खुलासा किया जिससे शंकर और साल्स के बीच के एक आम दुश्मन के खिलाफ गठबंधन हुआ। राशिया शंकर की खोज में टकराव का गवाह बनती है जिससे वह अपने कर्तव्य और उसके प्रति बढ़ते स्नेह के बीच फंस जाती है। जैसे ही शंकर की दोहरी पहचान के बारे में चर्चाएं सामने आती है तो लस्या को एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है जो हर किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है। फ्लैशबैक दर्शकों की एक श्रृंखला में शंकर और महालक्ष्मी के पहले के जीवन की झलक मिलती है जहाँ कुख्यात जोड़ी भोला और महा न्याय लागू करने वालों से डरती थी। उन्हें रास्ते में महालक्ष्मी के माता पिता के साथ टकराए गए जिससे घटनाएं की एक श्रृंखला शुरू हो गई जो उन्हें नीति के साथ टकराव की राह पर ले जाएगी। वर्तमान में शंकर के अपने नए परिवार के प्रति वफादारी की प्रतीक्षा होती है क्योंकि वह चालक सिंडिकेट मास्टरमाइंड एलेक्स से महालक्ष्मी को बचाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ लगाता है। कोलकाता की भूलभुलिया वाली सड़कों पर पीछा करने की परिणित एक टकराव में होती है जहां शंकर को एलेक्स के अपने अतीत से संबंध के बारे में चौंकाने वाली सच्चाई का पता लगाना होता है। जैसे ही धूल जम जाती है और भाग्य के धागे आपस में जुड़ जाते हैं शंकर और महालक्ष्मी हैदराबाद लौट आते हैं। उनका जीवन एक ऐसी यात्रा से हमेशा के लिए बदल जाता है जिससे लंबे समय से दबे हुए रजस्वों का उजागर किया, खोए हुए बंधनों को फिर से जगाया और प्यार वफादारी और मुक्ति की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया। प्रारंभ में साई पल्लवी को फिल्म में सिरंजीवी की बहन की भूमिका के लिए संपर्क किया गया था लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें रीमेक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके स्थान पर कीर्ति सुरेश को लिया गया। संगीत निर्देशक मनीष शर्मा के बेटे महती सुवर्णसागर को इस फिल्म में संगीतकार के रूप में साइन किया गया था। सही राह नरसिम्हा रेड्डी के बाद उनके दूसरे सहयोग में चिरंजीवी के साथ तमन्ना भाटिया को कास्ट किया गया है। 11 नवंबर 2021 को एक आधिकारिक लॉन्च आयोजित किया गया था। उन्होंने 15 नवंबर 2021 को फिल्मांकन की शुरू किया और मई 2023 में शूटिंग का आखिर दौर पूरा किया। अजिस्टर वेदालम के इस प्राचीन रीमेक के साथ मेहर रश अपनी किस्मत और आपकी हिम्मत दोनों का परीक्षण करते हैं। यह फिल्म जो एक व्यावसायिक पॉट बॉयलर बनने का वादा करती है, अंत में तीन अलग अलग कहानियों का मिश्रण है। इससे भी बुरी बात यह है कि सभी कहानियां सबसे अच्छी स्थिति में पुरानी है और सबसे खराब स्थिति में भी कहानियाँ है। शंकर अपनी बहन महालक्ष्मी नेका मैन की माँ कीर्ति सुरेश को एक कला व महाविद्यालय में जाने के लिए हैदराबाद से कोलकाता आते हैं। वह रोड शो के लिए घर गई और उसके मुलाकात एक आपराधिक वकील लस्या से हुई। लस्या का भाई श्रीकर यानी कि सुशांत ये माँ के प्यार में पड़ जाता है। भले ही खुद पर शंकर के साथ प्रेम नफरत का रिश्ता सजा करता है और जब मेयर लस्या पर चुटकुले सुनाना मूड को प्रभावित करने के लिए ब्रह्मानंदम और वेनेला किशोर को शामिल करने के लिए आदि में शामिल हो गए तो कोलकाता में कुछ और भी गंभीर हो रहा है। आप देखिए, शहर में भर में युवा में लड़कियों का अपहरण हो रहा है और पुलिस वालों की लापरवाही कानून परिवर्तन के पास माफिया को पकड़ने के बारे में कोई सुराग नहीं है। फिल्म की शुरुआत शंकर को एक भोले आदमी के रूप में स्थापित करने से होती है जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। हालांकि जैसी जैसी फिल्म आगे चलती है तो हमें दिखाया जाता है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाया गया है। और अगर आप किसी भारतीय फिल्म का आलंकन किया है तो कौन नायक आदर्श और तो अपने आप पहले से जान ले कि यह सब किस ओर जा रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म का पहला भाग कई टैक्स के भी
मंच घूम रहा है, जिसमें मेहर कुछ सीरियस टू चुटकुले सुनाने के और अच्छे उपाय के लिए दोस्त गीत के बीच संघर्ष कर रही है, क्योंकि क्यों नहीं। बाद में किसी भी फिल्म ने कुछ खास बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इंटरवल ने आपको सबसे घटिया पोस्ट की फिल्म के अंतिम शरण के कुछ दृश्य ही सबसे अच्छे हैं। मेहर फैन सर्विस में चिरंजीवी के स्टारडम बारे में सम्मान के सूत्र है जो हमेशा काम नहीं करते हैं। वह रामचरण या पावन कल्याण के अपनी टोपी के देने की भी बहुत कोशिश करती है। श्रीमुखी और रश्मि गौतम को केवलम वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए लाया गया है, और चिरंजीवी के साथ श्रीमुखी के कुछ दृश्य आपको याद आएंगे। इस फिल्म में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ भी जमीन पर उतरना नहीं दिख रहा है। महति स्वरा सागर का संगीत सबसे अच्छा है, हालांकि डुडले की सिनेमेटोग्राफी फिल्म को मदद करती है। चिरंजीवी को अपने किरदारों में जानवादी पूरी उसी कोशिश की है, लेकिन एक पुरानी फिल्म को ऊंचा उठाने में के लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी नया नहीं है। हमेशा की तरह प्रसिद्ध कीर्ति सुरेश ने अपनी भूमिका निभाई है। दोस्तों, पिछले एक दशक से सभी देख रहे हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में रीमेक फिल्मों का चलन कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अभी तक की कई फिल्में रीमेक बनी है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसा कमाया है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट निकालने में भी कामयाब नहीं हो पाई, बल्कि पिछले कुछ समय से ऑडियंस का टेस्ट भी बदल रहा है, इसीलिए अधिकांश रीमेक फिल्में सफल नहीं हो पा रही है। खैर, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि रिलीज भोला शंकर के बारे में, जो भोला शंकर हाल ही में 11 अगस्त को रिलीज हुई है। हालांकि एक तेलुगु फिल्म है, लेकिन इसके साथ कई और भाषाओं में फिल्में सिनेमाघरों में टिकी हुई है। इनमें से एक तमिल फिल्म जेलर है, जो कि 10 अगस्त रिलीज हुई थी और रजनीकांत लीड रोल में है, जबकि हिंदी बेल्ट में गदर 2 और ओएमजी 2 रिलीज हुई है। साथ ही 11 अगस्त को ही एक हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन भी रिलीज हुई है, जो कि सिनेमाघरों में नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। भोला शंकर फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो फिल्म ने चिरंजीवी ने शंकर टैक्सी ड्राइवर का रोल प्ले किया है। इनके अलावा फिल्म में कीर्ति सुरेश इनकी बहन के रोल में नजर आई है। साथ ही तमन्ना ने अब फिल्म में अधिवक्ता लक्ष्य का किरदार निभाया है। बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन मेहर रमेश ने किया है। 2015 की इसीलिए तमिल फिल्म का रीमेक है। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि चिरंजीवी स्टारिंग भोला शंकर साल 2015 में रिलीज हुई तमिल सुपरस्टार अजित कुमार की फिल्म वेदालम का ऑफिशियल रीमेक है, इसलिए फिल्म देखते हुए उसकी कहानी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम नहीं है। भोला शंकर फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो जिन्होंने फिल्म वेदालम देखी उन्होंने पता है कि फिल्म की कहानी क्या होने वाली है, इसलिए इसका स्पॉइलर देने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे फिर भी इसके बारे में बात करें तो इसकी कहने की शुरुआत होती है महिला तस्करी से। शंकर अपनी बहन महा यानी कि कीर्ति सुरेश के साथ कोलकाता रहने के लिए आता है। इसी दौरान अपना जीवन चलाने के लिए अपनी बहन की पढ़ाई पूरी करने के लिए शंकर एक टैक्सी ड्राइवर का काम करने लग जाता है, लेकिन पुलिस वालों की मदद करने के लिए एक बार वो बुरी तरह से फंस जाता है। अब शंकर का एक अतीत है जिसके बारे में वो किसी को बताता नहीं चाहता है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो सामने आ ही जाता है। उसे अपने परिवार को भी बचाना है, साथ ही में वह सबसे अलग रहना है। ऐसे में वो कैसे इन सभी समस्याओं का सामना करता है और कैसे इन सब से बाहर निकलता है, ये आपको फिल्म में दिखाया जाएगा। एक्टिंग के मामले में देखा जाए तो अजय तो फिल्म में चिरंजीवी अपनी जगह फिट दिखाई देते हैं और तमन्ना भी अपनी जगह सही है, लेकिन कीर्ति सुरेश को काफ़ी कम स्क्रीन पेस दिया गया है, जबकि वो एक सुलझी हुई एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस के लिहाज से देखा जाए तो अजय तो सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन पे को देखकर नए नेगेटिव पॉइंट निकलकर सामने आते हैं। फिल्म में नेगेटिव पॉइंट बताने से पहले इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। फिल्म का प्लस पॉइंट सिर्फ एक चिरंजीवी है
उनकी डायलॉग डिलीवरी, एक्शन हो या फिर डांस, सभी में उन्हें महत्तर हासिल और थिएटरों में सीटियां और तालियां बजवाने के लिए इतना काफ़ी है। इसके अलावा फिल्म का प्लस पॉइंट यह हमें नज़र नहीं आता है। अब बात करेंगे भोला शंकर फिल्म के कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में, क्योंकि 2015 में आई वेदालम की रीमेक है, इसीलिए इस फिल्म में सभी को उम्मीद थी, लेकिन उन्हें फिल्म में कुछ तो नया देखने को नहीं मिला, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिल्म में लगभग सभी सीन कॉपी किए गए हैं। इसके अलावा वेदालम आज से करीब 8 साल पुरानी है, इसीलिए भोला शंकर को थोड़ा अपग्रेड करने के लिए बाद दिखाना चाहिए था। आपने देखा होगा कि फिल्म वेदालम के लिए अजित कुमार ने काफ़ी मेहनत की थी, खासकर अपने लुक के लिए उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि अलग अलग टाइम लाने के लिए उन्होंने अलग अलग लुक्स अपनाए थे, जबकि वही दूसरी ओर चिरंजीवी ने इन सब चीज़ों में ज़्यादा मेहनत नहीं की है। फिल्म में कई सीन्स ऐसे हैं जो हूबहू अजित कुमार की वेदालम की कॉपी किए गए हैं। साथ ही स्टोरी एक जैसी होने की वजह से ऑडियंस को देखते हुए पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। इन सब के अलावा फिल्म का म्यूजिक भी कुछ खास नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर ने इन सब पर सही ढंग से काम नहीं किया है। ओरिजिनल ब्लॉकबस्टर तो सभी इसके भरोसे रही है। बाकी स्टार्स की तरह अगर चिरंजीवी को भी आगे काम करना है तो रीमेक फिल्मों से परहेज करना होगा, क्योंकि इससे पहले भी वो कई रीमेक कर चुके हैं। इन फिल्मों में कैदी नंबर 150 और गॉडफादर जैसी फिल्में शामिल है। एक टाइम था जब चिरंजीवी को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड कायम करती थी। हालांकि उनकी फैन फॉलोइंग अभी भी काफ़ी है, लेकिन अगर ऐसा रहा तो इनका करियर भी खत्म हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। इस मूवी के स्टोरी लाइन की बात करें तो शंकर एक टैक्सी ड्राइवर है जो अपनी प्यारी बहन महालक्ष्मी के साथ हैदराबाद से कोलकाता की यात्रा पर निकलता है। एक कला महाविद्यालय में उसका प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए कोलकाता में उनका आगमन उन्हें कोलकाता काली से परिचित कराता है, जो एक अप्रत्याशित दोस्त बन जाती है और सहायता की पेशकश करती है। महा के कॉलेज में बसने के साथ शंकर वामसी की कैब कंपनी में शामिल हो गया, जिससे उसकी मुलाकात भयंकर वकील लस्या से हुई। लस्या ने चालाकी से शंकर को एक नाटक में शामिल किया, जहां वह अपना एक मामले में मुख्य प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत हुआ। हालांकि शंकर के अप्रत्याशित शब्द चाल का पर्दाफाश करते देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक शर्मनाक प्रकरण सामने आता है। वामसी ने शंकर को लस्या के क्रोध से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, जिससे लस्या और वामसी के बीच गठबंधन का मंच तैयार हुआ, जबकि भावनाएं प्रतिशोध के जाल में उलझी हुई थी। सतह के नीचे जब वे पता चलता है कि वह महा और श्रीकर को गुप्त रूप से प्यार हो गया है, तो मंच पर एक मोड़ आ जाता है, जिसके अप्रत्याशित परिणाम उनके भाग्य में उलझ जाते हैं। शंकर और उसके साथी कैब ड्राइवर को भी डीसीपी यशपाल द्वारा एक कुख्यात अपराध सिंडिकेट की भयावह कार्यप्रणाली का पता लगाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। शंकर को हथियारों की तस्करी का सामना एक मामला मिलता है, जिससे कुर्क बैटली और उसके गुर्गे क्रोधित हो जाते हैं। एक मुठभेड़ शुरू हो जाती है जब शंकर अकेले ही बैटली से भिड़ जाता है। पता चलता है कि ब्रेडली शंकर का लंबे समय से खोया हुआ भाई है, जो कि एक दुखद गलतफहमी के कारण बचपन में अलग हो गया था। साल्स ब्रेडली का भाई सामने आ रही अराजकता की जांच करने के लिए आता है। जब शंकर साल्स और उसके दोस्त का सामना करता है तो एक टकराव शुरू हो जाता है। साल्स ने अपनी दुखद अतीत का खुलासा किया, जिससे शंकर और साल्स के बीच के एक आम दुश्मन के खिलाफ गठबंधन हुआ। लस्या शंकर की खोज में टकराव का गवाह बनती है, जिससे वह अपने कर्तव्य और उसके प्रति बढ़ते स्नेह के बीच फंस जाती है। जैसे ही शंकर की दोहरी पहचान के बारे में सच्चाई सामने आती है, तो लस्या को एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है, जो हर किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है। फ्लैशबैक दर्शकों की एक श्रृंखला में शंकर और महालक्ष्मी के पहले के जीवन की झलक मिलती है, जहाँ कुख्यात जोड़ी भोला और महा न्याय लागू करने वालों से डरती थी। उन्हें रास्ते में महालक्ष्मी के माता पिता के साथ टकराए गए, जिससे घटनाएं की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जो उन्हें नीति के साथ टकराव की राह पर ले जाएगी। वर्तमान में शंकर के अपने नए परिवार के प्रति वफादारी की प्रतीक्षा होती है, क्योंकि वह चालाक
सिंडिकेट मास्टरमाइंड एलेक्स से महालक्ष्मी को बचाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ लगाता है। कोलकाता की भूलभुलैया वाली सड़कों पर पीछा करने की परिणित एक टकराव में होती है, जहां शंकर को एलेक्स के अपने अतीत से संबंध के बारे में छोकाने वाली सच्चाई का पता लगाना होता है। जैसे ही धूल जम जाती है और भाग्य के धागे आपस में जुड़ जाते हैं, शंकर और महालक्ष्मी हैदराबाद लौट आते हैं। उनका जीवन एक ऐसी यात्रा से हमेशा के लिए बदल जाता है, जिससे लंबे समय से दबे हुए रजस्वों का उजागर किया, खोए हुए बंधनों को फिर से जगाया और प्यार, वफादारी और मुक्ति की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया। प्रारंभ में साई पल्लवी को फिल्म में सिरंजीवी की बहन की भूमिका के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें रीमेक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके स्थान पर कीर्ति सुरेश को लिया गया। संगीत निर्देशक मनीष शर्मा के बेटे महती सुरासागर को इस फिल्म में संगीतकार के रूप में साइन किया गया था। सईरा नरसिम्हा रेड्डी के बाद उनके दूसरे सहयोग में सिरंजीवी के साथ तमन्ना भाटिया को कास्ट किया गया है। 11 नवंबर 2021 को एक आधिकारिक लॉन्च आयोजित किया गया था। उन्होंने 15 नवंबर 2021 को फिल्मांकन की शुरू किया और मई 2023 में शूटिंग का आखिरी दौर पूरा किया। अजिस्टर वेदालम के इस प्राचीन रीमेक के साथ मेहर रश अपनी किस्मत और आपकी हिम्मत दोनों का परीक्षण करते हैं। यह फिल्म जो एक व्यावसायिक पॉट बॉयलर बनने का वादा करती है, अंत में तीन अलग अलग कहानियों का मिश्रण है। इससे भी बुरी बात यह है कि सभी कहानियां सबसे अच्छी और स्थिति में पुरानी है और सबसे खराब स्थिति में भी कहानियां है। शंकर अपनी बहन महालक्ष्मी नेका मायन की महाकीर्ति सुरेश को एक कला व महाविद्यालय में जाने के लिए हैदराबाद से कोलकाता आते हैं। वह रोड शो के लिए घर गई और उसके मुलाकात एक आपराधिक वकील लाश्या से हुई। लाश्या का भाई श्रीकर यानी कि सुशांत ये महा के प्यार में पड़ जाता है, भले ही खुद पर शंकर के साथ प्रेम नफरत का रिश्ता सजा करता है। और जब मेयर लाश्या पर चुटकुले सुनाना मूड को प्रभावित करने के लिए ब्रह्मानंदम और वेनेला किशोर को शामिल करने के लिए आदि में शामिल हो गए, तो कोलकाता में कुछ और भी गंभीर हो रहा है। आप देखिए, शहर में भर में युवा में लड़कियों का अपहरण हो रहा है और पुलिस वालों की लापरवाही, कानून प्रवर्तन के पास माफिया को पकड़ने के बारे में कोई सुराग नहीं है। फिल्म की शुरुआत शंकर को एक भोले आदमी के रूप में स्थापित करने से होती है, जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। हालांकि जैसी जैसी फिल्म आगे चलती है तो हमें दिखाया जाता है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाया गया है। और अगर आप किसी भारतीय फिल्म का आलंकन किया है तो कौन नायक आदर्श और तो अपने आप पहले से ही जान ले कि यह सब किस ओर जा रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म का पहला भाग कई टैक्स के बीच घूम रहा है, जिसमें मेहर कुछ सीरियस टू चुटकुले सुनाने के और अच्छे उपाय के लिए दोस्त गीत के बीच संघर्ष कर रही है, क्योंकि क्यों नहीं। बाद में किसी भी फिल्म ने कुछ खास बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इंटरवल ने आपको सबसे घटिया पोस्ट की फिल्म के अंतिम शरण के कुछ दृश्य ही सबसे अच्छे है। मेहर फिल्म सर्विस में सिरंजीवी के स्टारडम बारे में संवाद के सूत्र है जो हमेशा काम नहीं करते हैं। वह रामचरण या पावन कल्याण के अपनी टोपी के देने की भी बहुत कोशिश करती है। श्रीमुखी और रश्मि गौतम को केवलम वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए लाया गया है और सिरंजीवी के साथ श्रीमुखी के कुछ दृश्य आपको याद आएंगे। इस फिल्म में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन कुछ भी जमीन पर उतरना नहीं दिख रहा है। महती स्वरा सागर का संगीत सबसे अच्छा है, हालांकि डुडले की सिनेमेटोग्राफी फिल्म को मदद करती है। सिरंजीवी को अपने किरदारों में जानवादी पूरी खुशी कोशिश की है, लेकिन एक पुरानी फिल्म को ऊंचा उठाने में के लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी नया नहीं है। हमेशा की तरह प्रसिद्ध कीर्ति सुरेश ने अपनी भूमिका निभाई है। दोस्तों, पिछले एक दशक से सभी देख रहे हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में रीमेक फिल्मों का चलन कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अभी तक की कई फिल्में रीमेक बनी है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसा कमाया है।
लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट निकालने में भी कामयाब नहीं हो पाई, बल्कि पिछले कुछ समय से ऑडियंस का टेस्ट भी बदल रहा है, इसीलिए अधिकांश रीमेक फिल्में सफल नहीं हो पा रही है। खैर, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि रिलीज भोला शंकर के बारे में, जो भोला शंकर हाल ही में 11 अगस्त को रिलीज हुई है। हालांकि एक तेलुगु फिल्म है, लेकिन इसके साथ कई और भाषाओं में फिल्में सिनेमाघरों में टिकी हुई है। इनमें से एक तमिल फिल्म जेलर है, जो कि 10 अगस्त रिलीज हुई थी और रजनीकांत लीड रोल में है, जबकि हिंदी बेल्ट में गदर 2 और ओएमजे 2 रिलीज हुई है। साथ ही 11 अगस्त को ही एक हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन भी रिलीज हुई है, जो कि सिनेमाघरों में नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। भोला शंकर फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो फिल्म ने चिरंजीवी ने शंकर टैक्सी ड्राइवर का रोल प्ले किया है। इनके अलावा फिल्म में कीर्ति सुरेश इनकी बहन के रोल में नजर आई है। साथ ही तमन्ना ने अब फिल्म में अधिवक्ता लक्ष्य का किरदार निभाया है। बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन मेहर रमेश ने किया है। 2015 की इसीलिए तमिल फिल्म का रीमेक है। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि चिरंजीवी स्टारिंग भोला शंकर साल 2015 में रिलीज हुई तमिल सुपरस्टार अजित कुमार की फिल्म वेदालम का ऑफिशियल रीमेक है, इसलिए फिल्म देखते हुए उसकी कहानी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम नहीं है। भोला शंकर फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो जिन्होंने फिल्म वेदालम देखी उन्होंने पता है कि फिल्म की कहानी क्या होने वाली है, इसलिए इसका स्पॉइलर देने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे फिर भी इसके बारे में बात करें तो इसकी कहने की शुरुआत होती है महिला तस्करी से। शंकर अपनी बहन महा यानी कि कीर्ति सुरेश के साथ कोलकाता रहने के लिए आता है। इसी दौरान अपना जीवन चलाने के लिए अपनी बहन की पढ़ाई पूरी करने के लिए शंकर एक टैक्सी ड्राइवर का काम करने लग जाता है, लेकिन पुलिस वालों की मदद करने के लिए एक बार वो बुरी तरह से फंस जाता है। अब शंकर का एक अतीत है जिसके बारे में वो किसी को बताता नहीं चाहता है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो सामने आ ही जाता है। उसे अपने परिवार को भी बचाना है, साथ ही में वह सबसे अलग रहना है। ऐसे में वो कैसे इन सभी समस्याओं का सामना करता है और कैसे इन सब से बाहर निकलता है, ये आपको फिल्म में दिखाया जाएगा। एक्टिंग के मामले में देखा जाए तो अजय तो फिल्म में चिरंजीवी अपनी जगह फिट दिखाई देते हैं और तमन्ना भी अपनी जगह सही है, लेकिन कीर्ति सुरेश को काफ़ी कम स्क्रीन पेस दिया गया है, जबकि वो एक सुलझी हुई एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस के लिहाज से देखा जाए तो अजय तो सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन पे को देखकर नए नेगेटिव पॉइंट निकलकर सामने आते हैं। फिल्म में नेगेटिव पॉइंट बताने से पहले इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। फिल्म का प्लस पॉइंट सिर्फ चिरंजीवी है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, एक्शन हो या फिर डांस, सभी में उन्हें महत्तर हासिल और थिएटरों में सीटियाँ और तालियाँ बजवाने के लिए इतना काफ़ी है। इसके अलावा फिल्म का प्लस पॉइंट यह हमें नज़र नहीं आता है। अब बात करेंगे भोला शंकर फिल्म के कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में, क्योंकि 2015 में आई वेदालम की रीमेक है, इसीलिए इस फिल्म में सभी को उम्मीद थी, लेकिन उन्हें फिल्म में कुछ तो नया देखने को नहीं मिला, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिल्म में लगभग सभी सीन कॉपी किए गए हैं। इसके अलावा वेदालम आज से करीब 8 साल पुरानी है, इसीलिए भोला शंकर को थोड़ा अपग्रेड करने के लिए बात दिखाना चाहिए था। आपने देखा होगा कि फिल्म वेदालम के लिए अजित कुमार ने काफ़ी मेहनत की थी, खासकर अपने लोग के लिए उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि अलग अलग टाइम लाने के लिए उन्होंने अलग अलग लुक्स अपनाए थे, जबकि वही दूसरी ओर चिरंजीवी ने इन सब चीज़ों में ज़्यादा मेहनत नहीं की है। फिल्म में कई सीन्स ऐसे हैं जो हूबहू अजित कुमार की वेदालम की कॉपी किए गए हैं। साथ ही स्टोरी एक जैसी होने की वजह से ऑडियंस को देखते हुए पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। इन सब के अलावा फिल्म का म्यूजिक भी कुछ खास नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर ने इन सब पर सही ढंग से काम नहीं किया है। ओरिजिनल ब्लॉकबस्टर तो सभी इसके भरोसे रही है। बाकी स्टार्स की तरह अगर चिरंजीवी को भी आगे काम करना है तो रीमेक फिल्मों से परहेज करना होगा, क्योंकि इससे पहले भी वो कई रीमेक कर चुके हैं। इन फिल्मों में कैदी नंबर 150 और गॉडफादर जैसी फिल्में शामिल है। एक टाइम था जब चिरंजीवी को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड कायम करती थी। हालांकि उनकी फैन फॉलोइंग अभी भी काफ़ी
है, लेकिन अगर ऐसा रहा तो इनका करियर भी खत्म हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। इस मूवी के स्टोरी लाइन की बात करें तो शंकर एक टैक्सी ड्राइवर है जो अपनी प्यारी बहन महालक्ष्मी के साथ हैदराबाद से कोलकाता की यात्रा पर निकलता है। एक कला महाविद्यालय में उसका प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए कोलकाता में उनका आगमन उन्हें कोलकाता काली से परिचित कराता है, जो एक अप्रत्याशित दोस्त बन जाती है और सहायता की पेशकश करती है। वहाँ के कॉलेज में बसने के साथ शंकर वामसी की कैब कंपनी में शामिल हो गया, जिससे उसकी मुलाकात भयंकर वकील लस्या से हुई। लस्या ने चालाकी से शंकर को एक नाटक में शामिल किया, जहां वह अपना एक मामले में मुख्य प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत हुआ। हालांकि शंकर के अप्रत्याशित शब्द चाल का पर्दाफाश करते देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक शर्मनाक प्रकरण सामने आता है। वामसी ने शंकर को लस्या के क्रोध से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, जिससे लस्या और वामसी के बीच गठबंधन का मंच तैयार हुआ, जबकि भावनाएं प्रतिशोध के जाल में उलझी हुई थी। सतह के नीचे जब यह पता चलता है कि वह महा और श्रीकर को गुप्त रूप से प्यार हो गया है, तो मंच पर एक मोड़ आ जाता है, जिसके अप्रत्याशित परिणाम उनके भाग्य में उलझ जाते हैं। शंकर और उसके साथी कैब ड्राइवर को भी डीसीपी यशपाल द्वारा एक कुख्यात अपराध सिंडिकेट की भयावह कार्यप्रणाली का पता लगाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। शंकर को हथियारों की तस्करी का सामना एक मामला मिलता है, जिससे कुर बैटली और उसके गुर्गे क्रोधित हो जाते हैं। एक मुठभेड़ शुरू हो जाती है जब शंकर अकेले ही ब्रेटली से भिड़ जाता है। पता चलता है कि ब्रेटली शंकर का लंबे समय से खोया हुआ भाई है, जो कि एक दुखद गलतफहमी के कारण बचपन में अलग हो गया था। साल्स ब्रेटली का भाई सामने आ रही अराजकता की जांच करने के लिए आता है। जब शंकर साल्स और उसके दोस्त का सामना करता है तो एक टकराव शुरू हो जाता है। साल्स ने अपनी दुखद अतीत का खुलासा किया, जिससे शंकर और साल्स के बीच के एक आम दुश्मन के खिलाफ गठबंधन हुआ। लस्या शंकर की खोज में टकराव का गवाह बनती है, जिससे वह अपने कर्तव्य और उसके प्रति बढ़ते स्नेह के बीच फंस जाती है। जैसे ही शंकर की दोहरी पहचान के बारे में सच्चाई सामने आती है, तो लस्या को एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है, जो हर किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है। फ्लैशबैक दर्शकों की एक श्रृंखला में शंकर और महालक्ष्मी के पहले के जीवन की झलक मिलती है, जहाँ कुख्यात जोड़ी होला और महा न्याय लागू करने वालों से डरती थी। उन्हें रास्ते में महालक्ष्मी के माता पिता के साथ टकराए गए, जिससे घटनाएं की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जो उन्हें नीति के साथ टकराव की राह पर ले जाएगी। वर्तमान में शंकर की अपने नए परिवार के प्रति वफादारी की प्रतीक्षा होती है, क्योंकि वह चालक सिंडिकेट मास्टरमाइंड एलेक्स से महालक्ष्मी को बचाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ लगाता है। कोलकाता की भूलभुलिया वाली सड़कों पर पीछा करने की परिणित एक टकराव में होती है, जहां शंकर को एलेक्स के अपने अतीत से संबंध के बारे में चौंकाने वाली सच्चाई का पता लगाना होता है। जैसे ही धूल जम जाती है और भाग्य के धागे आपस में जुड़ जाते हैं, शंकर और महालक्ष्मी हैदराबाद लौट आते हैं। उनका जीवन एक ऐसी यात्रा से हमेशा के लिए बदल जाता है, जिससे लंबे समय से दबे हुए रजस्वों का उजागर किया, खोए हुए बंधनों को फिर से जगाया और प्यार, वफादारी और मुक्ति की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया। प्रारंभ में साई पल्लवी को फिल्म में सिरंजीवी की बहन की भूमिका के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें रीमेक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके स्थान पर कीर्ति सुरेश को लिया गया। संगीत निर्देशक मनीष शर्मा के बेटे महति सुरासागर को इस फिल्म में संगीतकार के रूप में साइन किया गया था। सही राह नरसिम्हा रेड्डी के बाद उनके दूसरे सहयोग में सिरंजीवी के साथ तमन्ना भाटिया को कास्ट किया गया है। 11 नवंबर 2021 को एक आधिकारिक लॉन्च आयोजित किया गया था। उन्होंने 15 नवंबर 2021 को फिल्मांकन की शुरू किया और मई 2023 में शूटिंग का आखिरी दौर पूरा किया। अजिस्टर वेदालम के इस प्राचीन रीमेक के साथ मेहर रश अपनी किस्मत और आपकी हिम्मत दोनों का परीक्षण करते हैं। यह फिल्म जो एक व्यावसायिक पॉट बॉयलर बनने का वादा करती है,
अंत में तीन अलग अलग कहानियों का मिश्रण है। इससे भी बुरी बात यह है कि सभी कहानियाँ सबसे अच्छी अवस्थित में पुरानी है और सबसे खराब स्थिति में भी कहानियाँ है। शंकर अपनी बहन महालक्ष्मी नेका मायन की माँ कीर्ति सुरेश को एक कला व महाविद्यालय में जाने के लिए हैदराबाद से कोलकाता आते हैं। वह रोड शो के लिए घर गई और उसके मुलाकात एक आपराधिक वकील लाश्या से हुई। लाश्या का भाई श्रीकर यानी कि सुशांत ये माँ के प्यार में पड़ जाता है, भले ही खुद पर शंकर के साथ प्रेम नफरत का रिश्ता सजा करता है। और जब मेयर लाश्या पर चुटकुले सुनाना मूड को प्रभावित करने के लिए ब्रह्मानंदम और वेनेला किशोर को शामिल करने के लिए आदि में शामिल हो गए, तो कोलकाता में कुछ और भी गंभीर हो रहा है। आप देखिए, शहर में भर में युवा में लड़कियों का अपहरण हो रहा है और पुलिस वालों की लापरवाही कानून परिवर्तन के पास माफिया को पकड़ने के बारे में कोई सुराग नहीं है। फिल्म की शुरुआत शंकर को एक भोले आदमी के रूप में स्थापित करने से होती है, जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। हालांकि जैसी जैसी फिल्म आगे चलती है तो हमें दिखाया जाता है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाया गया है। और अगर आप किसी भारतीय फिल्म का आलंकन किया है तो कौन नायक आदर्श और तो अपने आप पहले से ही जान ले कि यह सब किस ओर जा रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म का पहला भाग कई टैक्स के बीच घूम रहा है, जिसमें मेहर कुछ सीरियस टू चुटकुले सुनाने के और अच्छे उपाय के लिए दोस्त गीत के बीच संघर्ष कर रही है, क्योंकि क्यों नहीं। बाद में किसी भी फिल्म ने कुछ खास बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इंटरवल ने आपको सबसे घटिया पोस्ट की फिल्म के अंतिम चरण के कुछ दृश्य ही सबसे अच्छे है। मेहर फैन सर्विस में श्रीरंजीवी के स्टारडम बारे में संवाद के सूत्र है जो हमेशा काम नहीं करते हैं। वह रामचरण या पावन कल्याण के अपनी टोपी के देने की भी बहुत कोशिश करती है। श्रीमुखी और रश्मि गौतम को केवलम वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए लाया गया है और श्रीरंजीवी के साथ श्रीमुखी के कुछ दृश्य आपको याद आएंगे। इस फिल्म में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन कुछ भी जमीन पर उतरना नहीं दिख रहा है। महति स्वरा सागर का संगीत सबसे अच्छा है, हालांकि डुडले की सिनेमेटोग्राफी फिल्म को मदद करती है। श्रीरंजीवी को अपने किरदारों में जानवादी पूरी खुशी कोशिश की है, लेकिन एक पुरानी फिल्म को ऊंचा उठाने में के लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी नया नहीं है। हमेशा की तरह प्रसिद्ध कीर्ति सुरेश ने अपनी भूमिका निभाई है। दोस्तों, पिछले एक दशक से सभी देख रहे हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में रीमेक फिल्मों का चलन कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अभी तक की कई फिल्में रीमेक बनी है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसा कमाया है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसे भी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट निकालने में भी कामयाब नहीं हो पाई, बल्कि पिछले कुछ समय से ऑडियंस का टेस्ट भी बदल रहा है, इसीलिए अधिकांश रीमेक फिल्में सफल नहीं हो पा रही है। खैर, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि रिलीज भोला शंकर के बारे में, जो भोला शंकर हाल ही में 11 अगस्त को रिलीज हुई है। हालांकि एक तेलुगु फिल्म है, लेकिन इसके साथ कई और भाषाओं में फिल्में सिनेमाघरों में टिकी हुई है। इनमें से एक तमिल फिल्म जेलर है जो कि 10 अगस्त रिलीज हुई थी और रजनीकांत लीड रोल में है, जबकि हिंदी बेल्ट में गदर 2 और ओएमजी 2 रिलीज हुई है। साथ ही 11 अगस्त को ही एक हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन भी रिलीज हुई है, जो कि सिनेमाघरों में नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। भोला शंकर फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो फिल्म ने श्रीरंजीवी ने शंकर टैक्सी ड्राइवर का रोल प्ले किया है। इनके अलावा फिल्म में कीर्ति सुरेश इनकी बहन के रोल में नजर आई है। साथ ही तमन्ना ने अब फिल्म में अधिवक्ता लक्ष्य का किरदार निभाया है। बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन मेहर रमेश ने किया है। 2015 की इसीलिए तमिल फिल्म का रीमेक है। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि श्रीरंजीवी स्टारिंग भोला शंकर साल 2015 में रिलीज हुई तमिल सुपरस्टार अजित कुमार की फिल्म वेदालम का ऑफिशियल रीमेक है, इसलिए फिल्म देखते हुए उसकी कहानी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम नहीं है।
भोला शंकर फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो जिन्होंने फिल्म वेदालम देखी है उन्होंने पता है कि फिल्म की कहानी क्या होने वाली है, इसलिए इसका स्पॉइलर देने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे फिर भी इसके बारे में बात करें तो इसकी कहने की शुरुआत होती है महिला तस्करी से। शंकर अपनी बहन महा यानी कि कीर्ति सुरेश के साथ कोलकाता रहने के लिए आता है। इसी दौरान अपना जीवन चलाने के लिए अपनी बहन की पढ़ाई पूरी करने के लिए शंकर एक टैक्सी ड्राइवर का काम करने लग जाता है, लेकिन पुलिस वालों की मदद करने के लिए एक बार वो बुरी तरह से फंस जाता है। अब शंकर का एक अतीत है जिसके बारे में वो किसी को बताता नहीं चाहता है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो सामने आ ही जाता है। उसे अपने परिवार को भी बचाना है, साथ ही में वह सबसे अलग रहना है। ऐसे में वो कैसे इन सभी समस्याओं का सामना करता है और कैसे इन सब से बाहर निकलता है, यह आपको फिल्म में दिखाया जाएगा। एक्टिंग के मामले में देखा जाए तो अजय तो फिल्म में चिरंजीवी अपनी जगह फिट दिखाई देते हैं और तमन्ना भी अपनी जगह सही है, लेकिन कीर्ति सुरेश को काफ़ी कम स्क्रीन पेस दिया गया है, जबकि वो एक सुलझी हुई एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस के लिहाज से देखा जाए तो अजय तो सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन पे को देखकर नए नेगेटिव पॉइंट निकलकर सामने आते हैं। फिल्म में नेगेटिव पॉइंट बताने से पहले इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। फिल्म का प्लस पॉइंट सिर्फ चिरंजीवी है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, एक्शन हो या फिर डांस, सभी में उन्हें महत्तर हासिल और थिएटरों में सीटियाँ और तालियां बजवाने के लिए इतना काफ़ी है। इसके अलावा फिल्म का प्लस पॉइंट यह हमें नज़र नहीं आता है। अब बात करेंगे भोला शंकर फिल्म के कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में, क्योंकि 2015 में आई वेदालम की रीमेक है, इसीलिए इस फिल्म में सभी को उम्मीद थी, लेकिन उन्हें फिल्म में कुछ तो नया देखने को नहीं मिला, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिल्म में लगभग सभी सीन कॉपी किए गए हैं। इसके अलावा वेदालम आज से करीब 8 साल पुरानी है, इसीलिए भोला शंकर को थोड़ा अपग्रेड करने के लिए बाद दिखाना चाहिए था। आपने देखा होगा कि फिल्म वेदालम के लिए अजित कुमार ने काफ़ी मेहनत की थी, खासकर अपने लुक के लिए उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि अलग अलग टाइम लाने के लिए उन्होंने अलग अलग लुक्स अपनाए थे, जबकि वही दूसरी ओर चिरंजीवी ने इन सब चीज़ों में ज़्यादा मेहनत नहीं की है। फिल्म में कई सीन्स ऐसे हैं जो हूबहू अजित कुमार की वेदालम की कॉपी किए गए हैं। साथ ही स्टोरी एक जैसी होने की वजह से ऑडियंस को देखते हुए पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। इन सब के अलावा फिल्म का म्यूजिक भी कुछ खास नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर ने इन सब पर सही ढंग से काम नहीं किया है। ओरिजिनल ब्लॉकबस्टर तो सभी इसके भरोसे रही है। बाकी स्टार्स की तरह अगर चिरंजीवी को भी आगे काम करना है तो रीमेक फिल्मों से परहेज करना होगा, क्योंकि इससे पहले भी वो कई रीमेक कर चुके हैं। इन फिल्मों में कैदी नंबर 150 और गॉडफादर जैसी फिल्में शामिल है। एक टाइम था जब चिरंजीवी को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड कायम करती थी, हालांकि उनकी फैन फॉलोइंग अभी भी काफ़ी है, लेकिन अगर ऐसा रहा तो इनका करियर भी खत्म हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। इस मूवी के स्टोरी लाइन की बात करें तो शंकर एक टैक्सी ड्राइवर है जो अपनी प्यारी बहन महालक्ष्मी के साथ हैदराबाद से कोलकाता की यात्रा पर निकलता है। एक कला महाविद्यालय में उसका प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए कोलकाता में उनका आगमन उन्हें कोलकाता काली से परिचित कराता है, जो एक अप्रत्याशित दोस्त बन जाती है और सहायता की पेशकश करती है। महा के कॉलेज में बसने के साथ शंकर वामसी की कैब कंपनी में शामिल हो गया, जिससे उसकी मुलाकात भयंकर वकील लस्या से हुई। लस्या ने चालाकी से शंकर को एक नाटक में शामिल किया, जहां वह अपना एक मामले में मुख्य प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत हुआ। हालांकि शंकर के अप्रत्याशित शब्द चाल का पर्दाफाश करते देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक शर्मनाक प्रकरण सामने आता है। वामसी ने शंकर को लस्या के क्रोध से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, जिससे लस्या और वामसी के बीच गठबंधन का मंच तैयार हुआ, जबकि भावनाएं प्रतिशोध के जाल में उलझी हुई थी। सतह के नीचे जब यह पता चलता है कि वह महा और श्रीकर को गुप्त रूप से प्यार हो गया है, तो मंच पर एक मोड़ आ जाता है, जिसके अप्रत्याशित परिणाम उनके भाग्य में उलझ जाते हैं। शंकर और उसके साथी कैब ड्राइवर को भी डीसीपी यशपाल द्वारा एक कुख्यात अपराध सिंडिकेट की भयावह कार्यप्रणाली का पता लगाने के लिए
सूचीबद्ध किया गया है। शंकर को हथियारों की तस्करी का सामना एक मामला मिलता है जिससे क्रूर बैटले और उसके गुर्ग क्रोधित हो जाते हैं। एक मुठभेड़ शुरू हो जाती है जब शंकर अकेले ही ब्रेटली से भिड़ जाता है। पता चलता है कि ब्रेटली शंकर का लंबे समय से खोया हुआ भाई है जो कि एक दुखद गलतफहमी के कारण बचपन में अलग हो गया था। साल्स ब्रेटली का भाई सामने आ रही अराजकता की जांच करने के लिए आता है। जब शंकर साल्स और उसके दोस्त का सामना करता है तो एक टकराव शुरू हो जाता है। साल्स ने अपनी दुखद अतीत का खुलासा किया जिससे शंकर और साल्स के बीच के एक आम दुश्मन के खिलाफ गठबंधन हुआ। लाशा शंकर की खोज में टकराव का गवाह बनती है जिससे वह अपने कर्तव्य और उसके प्रति बढ़ते स्नेह के बीच फंस जाती है। जैसे ही शंकर की दोहरी पहचान के बारे में सच्चाई सामने आती है तो लाशा को एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है जो हर किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है। फ्लैशबैक दर्शकों की एक श्रृंखला में शंकर और महालक्ष्मी के पहले की जीवन की झलक मिलती है जहां कुख्यात जोड़ी भोला और महा न्याय लागू करने वालों से डरती थी। उन्हें रास्ते में महालक्ष्मी के माता पिता के साथ टकराए गए जिससे घटनाएं की एक श्रृंखला शुरू हो गई जो उन्हें नीति के साथ टकराव की राह पर ले जाएगी। वर्तमान में शंकर के अपने नए परिवार के प्रति वफादारी की प्रतीक्षा होती है क्योंकि वह चालक सिंडिकेट मास्टरमाइंड एलेक्स से महालक्ष्मी को बचाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ लगाता है। कोलकाता की भूलभुलैया वाली सड़कों पर पीछा करने की परिणित एक टकराव में होती है जहां शंकर को एलेक्स के अपने अतीत से संबंध के बारे में चौंकाने वाली सच्चाई का पता लगाना होता है। जैसे ही धूल जम जाती है और भाग्य के धागे आपस में जुड़ जाते हैं शंकर और महालक्ष्मी हैदराबाद लौट आते हैं। उनका जीवन एक ऐसी यात्रा से हमेशा के लिए बदल जाता है जिससे लंबे समय से दबे हुए रजसों का उजागर किया, खोए हुए बंधनों को फिर से जगाया और प्यार वफादारी और मुक्ति की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया। प्रारंभ में साई पल्लवी को फिल्म में सिरंजीवी की बहन की भूमिका के लिए संपर्क किया गया था लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें रीमेक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके स्थान पर कीर्ति सुरेश को लिया गया। संगीत निर्देशक मनीष शर्मा के बेटे महती सुवर्णसागर को इस फिल्म में संगीतकार के रूप में साइन किया गया था। सही राह नरसिम्हा रेड्डी के बाद उनके दूसरे सहयोग में सिरंजीवी के साथ तमन्ना भाटिया को कास्ट किया गया है। 11 नवंबर 2021 को एक आधिकारिक लॉन्च आयोजित किया गया था। उन्होंने 15 नवंबर 2021 को फिल्मांकन के शुरू किया और मई 2023 में शूटिंग का आखिरी दौर पूरा किया। अजिस्टर वेदालम के इस प्राचीन रीमेक के साथ मेहर रश अपनी किस्मत और आपकी हिम्मत दोनों का परीक्षण करते हैं। यह फिल्म जो एक व्यावसायिक पॉट बॉयलर बनने का वादा करती है, अंत में तीन अलग अलग कहानियों का मिश्रण है। इससे भी बुरी बात यह है कि सभी कहानियां सबसे अच्छी अवस्थित में पुरानी है और सबसे खराब स्थिति में भी कहानियां है। शंकर अपनी बहन महालक्ष्मी नेका मायन के महाकीर्ति सुरेश को एक कला व महाविद्यालय में जाने के लिए हैदराबाद से कोलकाता आते हैं। वह रोड शो के लिए घर गई और उसकी मुलाकात एक आपराधिक वकील लाश्या से हुई। लाश्या का भाई श्रीकर यानी कि सुशांत ये महा के प्यार में पड़ जाता है। भले ही खुद पर शंकर के साथ प्रेम नफरत का रिश्ता सजा करता है और जब मेयर लाश्या पर चुटकुले झुनाना मूड को प्रभावित करने के लिए ब्रह्मानंदम और वेनेला किशोर को शामिल करने के लिए आदि में शामिल हो गए तो कोलकाता में कुछ और भी गंभीर हो रहा है। आप देखिए शहर में भर में युवा में लड़कियों का अपहरण हो रहा है और पुलिस वालों की लापरवाही कानून परिवर्तन के पास माफिया को पकड़ने के बारे में कोई सुराग नहीं है। फिल्म की शुरुआत शंकर को एक भोले आदमी के रूप में स्थापित करने से होती है जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। हालांकि जैसी जैसी फिल्म आगे चलती है तो हमें दिखाया जाता है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाया गया है और अगर आप किसी भारतीय फिल्म का आलंकन किया है तो कौन नायक आदर्श और तो अपने आप पहले से ही जान ले कि यह सब किस ओर जा रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म का पहला भाग कई टैक्स के बीच
घूम रहा है, जिसमें मेहर उस सीरियस डो टू चुटकुले सुनाने के और अच्छे उपाय के लिए दोस्त गीत के बीच संघर्ष कर रही है, क्योंकि क्यों नहीं। बाद में किसी भी फिल्म ने कुछ खास बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इंटरवल ने आपको सबसे घटिया पोस्ट की फिल्म के अंतिम शरण के कुछ दृश्य ही सबसे अच्छे हैं। मेहर फैन सर्विस में चिरंजीवी के स्टारडम बारे में संवाद के सूत्र है जो हमेशा काम नहीं करते हैं। वह रामचरण या पावन कल्याण को अपनी टोपी के देने की भी बहुत कोशिश करती है। श्रीमुखी और रश्मि गौतम को केवलम वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए लाया गया है, और चिरंजीवी के साथ श्रीमुखी के कुछ दृश्य आपको याद आएंगे। इस फिल्म में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ भी जमीन पर उतरना नहीं दिख रहा है। महती स्वरा सागर का संगीत सबसे अच्छा है, हालांकि डुडले की सिनेमेटोग्राफी फिल्म को मदद करती है। चिरंजीवी को अपने किरदारों में जानवादी पूरी खुशी कोशिश की है, लेकिन एक पुरानी फिल्म को ऊंचा उठाने में के लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी नया नहीं है। हमेशा की तरह प्रसिद्ध कीर्ति सुरेश ने अपनी भूमिका निभाई है। दोस्तों, पिछले एक दशक से सभी देख रहे हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में रीमेक फिल्मों का चलन कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अभी तक की कई फिल्में रीमेक बनी है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसा कमाया है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट निकालने में भी कामयाब नहीं हो पाई, बल्कि पिछले कुछ समय से ऑडियंस का टेस्ट भी बदल रहा है, इसीलिए अधिकांश रीमेक फिल्में सफल नहीं हो पा रही है। खैर, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि रिलीज भोला शंकर के बारे में, जो भोला शंकर हाल ही में 11 अगस्त को रिलीज हुई है। हालांकि एक तेलुगु फिल्म है, लेकिन इसके साथ कई और भाषाओं में फिल्में सिनेमाघरों में टिकी हुई है। इनमें से एक तमिल फिल्म जेलर है जो कि 10 अगस्त रिलीज हुई थी और रजनीकांत लीड रोल में है, जबकि हिंदी बेल्ट में गदर 2 और ओएमजी 2 रिलीज हुई है। साथ ही 11 अगस्त को ही एक हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन भी रिलीज हुई है, जो कि सिनेमाघरों में नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। भोला शंकर फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो फिल्म ने चिरंजीवी ने शंकर टैक्सी ड्राइवर का रोल प्ले किया है। इनके अलावा फिल्म में कीर्ति सुरेश इनकी बहन के रोल में नजर आई है। साथ ही तमन्ना ने अब फिल्म में अधिवक्ता लक्ष्य का किरदार निभाया है। बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन मेहर रमेश ने किया है। 2015 की इसीलिए तमिल फिल्म का रीमेक है। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि चिरंजीवी स्टारिंग भोला शंकर साल 2015 में रिलीज हुई तमिल सुपरस्टार अजित कुमार की फिल्म वेदालम का ऑफिशियल रीमेक है, इसलिए फिल्म देखते हुए उसकी कहानी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम नहीं है। भोला शंकर फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो जिन्होंने फिल्म वेदालम देखी उन्होंने पता है कि फिल्म की कहानी क्या होने वाली है, इसलिए इसका स्पॉइलर देने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे फिर भी इसके बारे में बात करें तो इसकी कहने की शुरुआत होती है महिला तस्करी से। शंकर अपनी बहन महा यानी कि कीर्ति सुरेश के साथ कोलकाता रहने के लिए आता है। इसी दौरान अपना जीवन चलाने के लिए अपनी बहन की पढ़ाई पूरी करने के लिए शंकर एक टैक्सी ड्राइवर का काम करने लग जाता है, लेकिन पुलिस वालों की मदद करने के लिए एक बार वो बुरी तरह से फंस जाता है। अब शंकर का एक अतीत है जिसके बारे में वो किसी को बताता नहीं चाहता है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो सामने आ ही जाता है। उसे अपने परिवार को भी बचाना है, साथ ही में वह सबसे अलग रहना है। ऐसे में वो कैसे इन सभी समस्याओं का सामना करता है और कैसे इन सब से बाहर निकलता है, ये आपको फिल्म में दिखाया जाएगा। एक्टिंग के मामले में देखा जाए तो अजय तो फिल्म में चिरंजीवी अपनी जगह फिट दिखाई देते हैं और तमन्ना भी अपनी जगह सही है, लेकिन कीर्ति सुरेश को काफ़ी कम स्क्रीन पेस दिया गया है, जबकि वो एक सुलझी हुई एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस के लिहाज से देखा जाए तो अजय तो सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन पे को देखकर नए नेगेटिव पॉइंट निकलकर सामने आते हैं। फिल्म में नेगेटिव पॉइंट बताने से पहले इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। फिल्म का प्लस पॉइंट सिर्फ चिरंजीवी है
उनकी डायलॉग डिलीवरी, एक्शन हो या फिर डांस, सभी में उन्हें महारत हासिल और थिएटरों में सीटियां और तालियां बजवाने के लिए इतना काफ़ी है। इसके अलावा फिल्म का प्लस पॉइंट यह हमें नज़र नहीं आता है। अब बात करेंगे भोला शंकर फिल्म के कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में, क्योंकि 2015 में आई वेदालम की रीमेक है, इसीलिए इस फिल्म में सभी को उम्मीद थी, लेकिन उन्हें फिल्म में कुछ तो नया देखने को नहीं मिला, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिल्म में लगभग सभी सीन कॉपी किए गए हैं। इसके अलावा वेदालम आज से करीब 8 साल पुरानी है, इसीलिए भोला शंकर को थोड़ा अपग्रेड करने के लिए बात दिखाना चाहिए था। आपने देखा होगा कि फिल्म वेदालम के लिए अजित कुमार ने काफ़ी मेहनत की थी, खासकर अपने लुक के लिए उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि अलग अलग टाइम लाने के लिए उन्होंने अलग अलग लुक्स अपनाए थे, जबकि वही दूसरी ओर चिरंजीवी ने इन सब चीज़ों में ज़्यादा मेहनत नहीं की है। फिल्म में कई सीन्स ऐसे हैं जो हूबहू अजित कुमार की वेदालम की कॉपी किए गए हैं। साथ ही स्टोरी एक जैसी होने की वजह से ऑडियंस को देखते हुए पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। इन सब के अलावा फिल्म का म्यूजिक भी कुछ खास नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर ने इन सब पर सही ढंग से काम नहीं किया है। ओरिजिनल ब्लॉकबस्टर तो सभी इसके भरोसे रही है। बाकी स्टार्स की तरह अगर चिरंजीवी को भी आगे काम करना है तो रीमेक फिल्मों से परहेज करना होगा, क्योंकि इससे पहले भी वो कई रीमेक कर चुके हैं। इन फिल्मों में कैदी नंबर 150 और गॉडफादर जैसी फिल्में शामिल है। एक टाइम था जब चिरंजीवी को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड कायम करती थी। हालांकि उनकी फैन फॉलोइंग अभी भी काफ़ी है, लेकिन अगर ऐसा रहा तो इनका करियर भी खत्म हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। इस मूवी के स्टोरी लाइन की बात करें तो शंकर एक टैक्सी ड्राइवर है जो अपनी प्यारी बहन महालक्ष्मी के साथ हैदराबाद से कोलकाता की यात्रा पर निकलता है। एक कला महाविद्यालय में उसका प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए कोलकाता में उनका आगमन उन्हें कोलकाता काली से परिचित कराता है, जो एक अप्रत्याशित दोस्त बन जाती है और सहायता की पेशकश करती है। वहाँ के कॉलेज में बसने के साथ शंकर वामसी की कैब कंपनी में शामिल हो गया, जिससे उसकी मुलाकात भयंकर वकील लस्या से हुई। लस्या ने चालाकी से शंकर को एक नाटक में शामिल किया, जहां वह अपना एक मामले में मुख्य प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत हुआ। हालांकि शंकर के अप्रत्याशित शब्द चाल का पर्दाफाश करते देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक शर्मनाक प्रकरण सामने आता है। वामसी ने शंकर को लस्या के क्रोध से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, जिससे लस्या और वामसी के बीच गठबंधन का मंच तैयार हुआ, जबकि भावनाएं प्रतिशोध के जाल में उलझी हुई थी। सतह के नीचे जब यह पता चलता है कि वह महा और श्रीकर को गुप्त रूप से प्यार हो गया है, तो मंच पर एक मोड़ आ जाता है, जिसके अप्रत्याशित परिणाम उनके भाग्य में उलझ जाते हैं। शंकर और उसके साथी कैब ड्राइवर को भी डीसीपी यशपाल द्वारा एक कुख्यात अपराध सिंडिकेट की भयावह कार्यप्रणाली का पता लगाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। शंकर को हथियारों की तस्करी का सामना एक मामला मिलता है, जिससे कुर्क बैटली और उसके गुर्ग क्रोधित हो जाते हैं। एक मुठभेड़ शुरू हो जाती है जब शंकर अकेले ही बैटली से भिड़ जाता है। पता चलता है कि ब्रेडली शंकर का लंबे समय से खोया हुआ भाई है, जो कि एक दुखद गलतफहमी के कारण बचपन में अलग हो गया था। साल्स ब्रेडली का भाई सामने आ रही अराजकता की जांच करने के लिए आता है। जब शंकर साल्स और उसके दोस्त का सामना करता है तो एक टकराव शुरू हो जाता है। साल्स ने अपनी दुखद अतीत का खुलासा किया, जिससे शंकर और साल्स के बीच के एक आम दुश्मन के खिलाफ गठबंधन हुआ। लस्या शंकर की खोज में टकराव का गवाह बनती है, जिससे वह अपने कर्तव्य और उसके प्रति बढ़ते स्नेह के बीच फंस जाती है। जैसे ही शंकर की दोहरी पहचान के बारे में सच्चाई सामने आती है, तो लस्या को एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है, जो हर किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है। फ्लैशबैक दर्शकों की एक श्रृंखला में शंकर और महालक्ष्मी के पहले के जीवन की झलक मिलती है, जहाँ कुख्यात जोड़ी भोला और महा न्याय लागू करने वालों से डरती थी। उन्हें रास्ते में महालक्ष्मी के माता पिता के साथ टकराए गए, जिससे घटनाएं की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जो उन्हें नीति के साथ टकराव की राह पर ले जाएगी। वर्तमान में शंकर के अपने नए परिवार के प्रति वफादारी की प्रतीक्षा होती है,
क्योंकि वह चालक सिंडिकेट मास्टरमाइंड एलेक्स से महालक्ष्मी को बचाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ लगाता है। कोलकाता की भूलभुलैया वाली सड़कों पर पीछा करने की परिणीति एक टकराव में होती है, जहां शंकर को एलेक्स के अपने अतीत से संबंध के बारे में छोकाने वाली सच्चाई का पता लगाना होता है। जैसे ही धूल जम जाती है और भाग्य के धागे आपस में जुड़ जाते हैं, शंकर और महालक्ष्मी हैदराबाद लौट आते हैं। उनका जीवन एक ऐसी यात्रा से हमेशा के लिए बदल जाता है, जिससे लंबे समय से दबे हुए रजसों का उजागर किया, खोए हुए बंधनों को फिर से जगाया और प्यार, वफादारी और मुक्ति की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया। प्रारंभ में साई पल्लवी को फिल्म में चिरंजीवी की बहन की भूमिका के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें रीमेक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके स्थान पर कीर्ति सुरेश को लिया गया। संगीत निर्देशक मनीष शर्मा के बेटे महति स्वरासागर को इस फिल्म में संगीतकार के रूप में साइन किया गया था। सही राह नरसिम्हा रेड्डी के बाद उनके दूसरे सहयोग में चिरंजीवी के साथ तमन्ना भाटिया को कास्ट किया गया है। 11 नवंबर 2021 को एक आधिकारिक लॉन्च आयोजित किया गया था। उन्होंने 15 नवंबर 2021 को फिल्मांकन के शुरू किया और मई 2023 में शूटिंग का आखिरी दौर पूरा किया। अजिस्टर वेदालम के इस प्राचीन रीमेक के साथ मेहर रश अपनी किस्मत और आपकी हिम्मत दोनों का परीक्षण करते हैं। यह फिल्म जो एक व्यावसायिक पॉट बॉयलर बनने का वादा करती है, अंत में तीन अलग अलग कहानियों का मिश्रण है। इससे भी बुरी बात यह है कि सभी कहानियां सबसे अच्छी अवस्थिति में पुरानी है और सबसे खराब स्थिति में भी कहानियां है। शंकर अपनी बहन महालक्ष्मी नेका मायन के महाकीर्ति सुरेश को एक कला व महाविद्यालय में जाने के लिए हैदराबाद से कोलकाता आते हैं। वह रोड शो के लिए घर गई और उसके मुलाकात एक आपराधिक वकील लाश्या से हुई। लाश्या का भाई श्रीकर यानी कि सुशांत ये महा के प्यार में पड़ जाता है, भले ही खुद पर शंकर के साथ प्रेम नफरत का रिश्ता सजा करता है। और जब मेयर लाश्या पर चुटकुले झुनाना मूड को प्रभावित करने के लिए ब्रह्मानंदम और वेनेला किशोर को शामिल करने के लिए आदि में शामिल हो गए, तो कोलकाता में कुछ और भी गंभीर हो रहा है। आप देखिए, शहर में भर में युवा में लड़कियों का अपहरण हो रहा है और पुलिस वालों की लापरवाही कानून परिवर्तन के पास माफिया को पकड़ने के बारे में कोई सुराग नहीं है। फिल्म की शुरुआत शंकर को एक भोले आदमी के रूप में स्थापित करने से होती है, जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। हालांकि जैसी जैसी फिल्म आगे चलती है तो हमें दिखाया जाता है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाया गया है। और अगर आप किसी भारतीय फिल्म का आलंकन किया है तो कौन नायक आदर्श और तो अपने आप पहले से ही जान ले कि यह सब किस ओर जा रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म का पहला भाग कई टैक्स के बीच घूम रहा है, जिसमें मेहर कुछ सीरियस टू चुटकुले सुनाने के और अच्छे उपाय के लिए दोस्त गीत के बीच संघर्ष कर रही है, क्योंकि क्यों नहीं। बाद में किसी भी फिल्म ने कुछ खास बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इंटरवल ने आपको सबसे घटिया पोस्ट की फिल्म के अंतिम शरण के कुछ दृश्य ही सबसे अच्छे है। मेहर फैन सर्विस में चिरंजीवी के स्टारडम बारे में संवाद के सूत्र है जो हमेशा काम नहीं करते हैं। वह रामचरण या पावन कल्याण के अपनी टोपी के देने की भी बहुत कोशिश करती है। श्रीमुखी और रश्मि गौतम को केवलम वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए लाया गया है और चिरंजीवी के साथ श्रीमुखी के कुछ दृश्य आपको याद आएंगे। इस फिल्म में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ भी जमीन पर उतरना नहीं दिख रहा है। महति स्वरासागर का संगीत सबसे अच्छा है, हालांकि डुडले की सिनेमेटोग्राफी फिल्म को मदद करती है। चिरंजीवी को अपने किरदारों में जानवादी पूरी खुशी कोशिश की है, लेकिन एक पुरानी फिल्म को ऊंचा उठाने में के लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी नया नहीं है। हमेशा की तरह प्रसिद्ध कीर्ति सुरेश ने अपनी भूमिका निभाई है। दोस्तों, पिछले एक दशक से सभी देख रहे हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में रीमेक फिल्मों का चलन कुछ ज़्यादा ही हो गया है।
अभी तक की कई फिल्में रीमेक बनी है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसा कमाया है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी है जो बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट निकालने में भी कामयाब नहीं हो पाई, बल्कि पिछले कुछ समय से ऑडियंस का टेस्ट भी बदल रहा है, इसीलिए अधिकांश रीमेक फिल्में सफल नहीं हो पा रही है। खैर, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि रिलीज भोला शंकर के बारे में, जो भोला शंकर हाल ही में 11 अगस्त को रिलीज हुई है। हालांकि एक तेलुगु फिल्म है, लेकिन इसके साथ कई और भाषाओं में फिल्में सिनेमाघरों में टिकी हुई है। इनमें से एक तमिल फिल्म जेलर है जो कि 10 अगस्त रिलीज हुई थी और रजनीकांत लीड रोल में है, जबकि हिंदी बेल्ट में गदर 2 और ओएमजी 2 रिलीज हुई है। साथ ही 11 अगस्त को ही एक हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन भी रिलीज हुई है, जो कि सिनेमाघरों में नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। भोला शंकर फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो फिल्म ने चिरंजीवी ने शंकर टैक्सी ड्राइवर का रोल प्ले किया है। इनके अलावा फिल्म में कीर्ति सुरेश इनकी बहन के रोल में नजर आई है। साथ ही तमन्ना ने अब फिल्म में अधिवक्ता लक्ष्य का किरदार निभाया है। बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन मेहर रमेश ने किया है। 2015 की इसीलिए तमिल फिल्म का रीमेक है। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि चिरंजीवी स्टारिंग भोला शंकर साल 2015 में रिलीज हुई तमिल सुपरस्टार अजित कुमार की फिल्म वेदालम का ऑफिशियल रीमेक है, इसलिए फिल्म देखते हुए उसकी कहानी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम नहीं है। भोला शंकर फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो जिन्होंने फिल्म वेदालम देखी है उन्होंने पता है कि फिल्म की कहानी क्या होने वाली है, इसलिए इसका स्पॉइलर देने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे फिर भी इसके बारे में बात करें तो इसकी कहने की शुरुआत होती है महिला तस्करी से। शंकर अपनी बहन महा यानी कि कीर्ति सुरेश के साथ कोलकाता रहने के लिए आता है। इसी दौरान अपना जीवन चलाने के लिए अपनी बहन की पढ़ाई पूरी करने के लिए शंकर एक टैक्सी ड्राइवर का काम करने लग जाता है, लेकिन पुलिस वालों की मदद करने के लिए एक बार वो बुरी तरह से फंस जाता है। अब शंकर का एक अतीत है जिसके बारे में वो किसी को बताता नहीं चाहता है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो सामने आ ही जाता है। उसे अपने परिवार को भी बचाना है, साथ ही में वह सबसे अलग रहना है। ऐसे में वो कैसे इन सभी समस्याओं का सामना करता है और कैसे इन सब से बाहर निकलता है, यह आपको फिल्म में दिखाया जाएगा। एक्टिंग के मामले में देखा जाए तो अजय तो फिल्म में चिरंजीवी अपनी जगह फिट दिखाई देते हैं और तमन्ना भी अपनी जगह सही है, लेकिन कीर्ति सुरेश को काफ़ी कम स्क्रीन पेस दिया गया है, जबकि वो एक सुलझी हुई एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस के लिहाज से देखा जाए तो अजय तो सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन पे को देखकर नए नेगेटिव पॉइंट निकलकर सामने आते हैं। फिल्म में नेगेटिव पॉइंट बताने से पहले इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। फिल्म का प्लस पॉइंट सिर्फ चिरंजीवी है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, एक्शन हो या फिर डांस, सभी में उन्हें महत्तर हासिल और थिएटरों में सीटियाँ और तालियां बजवाने के लिए इतना काफ़ी है। इसके अलावा फिल्म का प्लस पॉइंट यह हमें नज़र नहीं आता है। अब बात करेंगे भोला शंकर फिल्म के कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में, क्योंकि 2015 में आई वेदालम की रीमेक है, इसीलिए इस फिल्म में सभी को उम्मीद थी, लेकिन उन्हें फिल्म में कुछ तो नया देखने को नहीं मिला, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिल्म में लगभग सभी सीन कॉपी किए गए हैं। इसके अलावा वेदालम आज से करीब 8 साल पुरानी है, इसीलिए भोला शंकर को थोड़ा अपग्रेड करने के लिए बाद दिखाना चाहिए था। आपने देखा होगा कि फिल्म वेदालम के लिए अजित कुमार ने काफ़ी मेहनत की थी, खासकर अपने लुक के लिए उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि अलग अलग टाइम लाने के लिए उन्होंने अलग अलग लुक्स अपनाए थे, जबकि वही दूसरी ओर चिरंजीवी ने इन सब चीज़ों में ज़्यादा मेहनत नहीं की है। फिल्म में कई सीन्स ऐसे हैं जो हूबहू अजित कुमार की वेदालम की कॉपी किए गए हैं। साथ ही स्टोरी एक जैसी होने की वजह से ऑडियंस को देखते हुए पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। इन सब के अलावा फिल्म का म्यूजिक भी कुछ खास नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर ने इन सब पर सही ढंग से काम नहीं किया है। ओरिजिनल ब्लॉकबस्टर तो सभी इसके भरोसे रही है। बाकी स्टार्स की तरह अगर चिरंजीवी को भी आगे काम करना है तो रीमेक फिल्मों से परहेज करना होगा, क्योंकि इससे पहले भी वो कई रीमेक कर चुके हैं। इन फिल्मों में कैदी नंबर 150 और गॉडफादर जैसी फिल्में शामिल है। एक टाइम था जब चिरंजीवी को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड कायम करती थी।
हालांकि उनकी फैन फॉलोइंग अभी भी काफ़ी है, लेकिन अगर ऐसा रहा तो इनका करियर भी खत्म हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। इस मूवी के स्टोरी लाइन की बात करें तो शंकर एक टैक्सी ड्राइवर है जो अपनी प्यारी बहन महालक्ष्मी के साथ हैदराबाद से कोलकाता की यात्रा पर निकलता है। एक कला महाविद्यालय में उसका प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए कोलकाता में उनका आगमन उन्हें कोलकाता कॉलेज से परिचित कराता है, जो एक अप्रत्याशित दोस्त बन जाती है और सहायता की पेशकश करती है। वहाँ के कॉलेज में बसने के साथ शंकर वामसी की कैब कंपनी में शामिल हो गया, जिससे उसकी मुलाकात भयंकर वकील लस्या से हुई। लस्या ने चालाकी से शंकर को एक नाटक में शामिल किया, जहां वह अपना एक मामले में मुख्य प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत हुआ। हालांकि शंकर के अप्रत्याशित शब्द चाल का पर्दाफाश कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक शर्मनाक प्रकरण सामने आता है। वामसी ने शंकर को लस्या के क्रोध से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, जिससे लस्या और वामसी के बीच गठबंधन का मंच तैयार हुआ, जबकि भावनाएं प्रतिशोध के जाल में उलझी हुई थी। सतह के नीचे जब यह पता चलता है कि वह महा और श्रीकर को गुप्त रूप से प्यार हो गया है, तो मंच पर एक मोड़ आ जाता है, जिसके अप्रत्याशित परिणाम उनके भाग्य में उलझ जाते हैं। शंकर और उसके साथी कैब ड्राइवर को भी डीसीपी यशपाल द्वारा एक कुख्यात अपराध सिंडिकेट की भयावह कार्यप्रणाली का पता लगाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। शंकर को हथियारों की तस्करी का सामना एक मामला मिलता है, जिससे कुर बैटली और उसके गुर्गे क्रोधित हो जाते हैं। एक मुठभेड़ शुरू हो जाती है जब शंकर अकेले ही ब्रेटली से भिड़ जाता है। पता चलता है कि ब्रेटली शंकर का लंबे समय से खोया हुआ भाई है, जो कि एक दुखद गलतफहमी के कारण बचपन में अलग हो गया था। साल्स ब्रेटली का भाई सामने आ रही अराजकता की जांच करने के लिए आता है। जब शंकर साल्स और उसके दोस्त का सामना करता है तो एक टकराव शुरू हो जाता है। साल्स ने अपनी दुखद अतीत का खुलासा किया, जिससे शंकर और साल्स के बीच के एक आम दुश्मन के खिलाफ गठबंधन हुआ। लस्या शंकर की खोज में टकराव का गवाह बनती है, जिससे वह अपने कर्तव्य और उसके प्रति बढ़ते स्नेह के बीच फंस जाती है। जैसे ही शंकर की दोहरी पहचान के बारे में सच्चाई सामने आती है, तो लस्या को एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है, जो हर किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है। फ्लैशबैक दर्शकों की एक श्रृंखला में शंकर और महालक्ष्मी के पहले के जीवन की झलक मिलती है, जहां कुख्यात जोड़ी भोला और महा न्याय लागू करने वालों से डरती थी। उन्हें रास्ते में महालक्ष्मी के माता पिता के साथ टकराए गए, जिससे घटनाएं की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जो उन्हें नीति के साथ टकराव की राह पर ले जाएगी। वर्तमान में शंकर के अपने नए परिवार के प्रति वफादारी की प्रतीक्षा होती है, क्योंकि वह चालक सिंडिकेट मास्टरमाइंड एलेक्स से महालक्ष्मी को बचाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ लगाता है। कोलकाता की भूलभुलैया वाली सड़कों पर पीछा करने की परिणित एक टकराव में होती है, जहां शंकर को एलेक्स के अपने अतीत से संबंध के बारे में चौंकाने वाली सच्चाई का पता लगाना होता है। जैसे ही धूल जम जाती है और भाग्य के धागे आपस में जुड़ जाते हैं, शंकर और महालक्ष्मी हैदराबाद लौट आते हैं। उनका जीवन एक ऐसी यात्रा से हमेशा के लिए बदल जाता है, जिससे लंबे समय से दबे हुए रजसों का उजागर किया, खोए हुए बंधनों को फिर से जगाया और प्यार, वफादारी और मुक्ति की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया। प्रारंभ में साई पल्लवी को फिल्म में सिरंजीवी की बहन की भूमिका के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें रीमेक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके स्थान पर कीर्ति सुरेश को लिया गया। संगीत निर्देशक मनीष शर्मा के बेटे महती सुरासागर को इस फिल्म में संगीतकार के रूप में साइन किया गया था। सही राह नरसिम्हा रेड्डी के बाद उनके दूसरे सहयोग में सिरंजीवी के साथ तमन्ना भाटिया को कास्ट किया गया है। 11 नवंबर 2021 को एक आधिकारिक लॉन्च आयोजित किया गया था। उन्होंने 15 नवंबर 2021 को फिल्मांकन की शुरू किया और मई 2023 में शूटिंग का आखिरी दौर पूरा किया। अजिस्टर वेदालम के इस प्राचीन रिमेक के साथ मेहर रश अपनी किस्मत और आपकी हिम्मत दोनों का परीक्षण करते हैं।
यह फिल्म जो एक व्यावसायिक पॉट बॉयलर बनने का वादा करती है, अंत में तीन अलग अलग कहानियों का मिश्रण है। इससे भी बुरी बात यह है कि सभी कहानियाँ सबसे अच्छी अवस्थिति में पुरानी है और सबसे खराब स्थिति में भी कहानियाँ है। शंकर अपनी बहन महालक्ष्मी नेका मायन की माँ कीर्ति सुरेश को एक कला व महाविद्यालय में जाने के लिए हैदराबाद से कोलकाता आते हैं। वह रोड शो के लिए घर गई और उसके मुलाकात एक आपराधिक वकील लस्या से हुई। लस्या का भाई श्रीकर यानी कि सुशांत ये माँ के प्यार में पड़ जाता है, भले ही खुद पर शंकर के साथ प्रेम नफरत का रिश्ता अदा करता है। और जब मेयर लस्या पर चुटकुले सुनाना मूड को प्रभावित करने के लिए ब्रह्मानंदम और वेनेला किशोर को शामिल करने के लिए आदि में शामिल हो गए, तो कोलकाता में कुछ और भी गंभीर हो रहा है। आप देखिए, शहर में भर में युवा में लड़कियों का अपहरण हो रहा है और पुलिस वालों की लापरवाही कानून परिवर्तन के पास माफिया को पकड़ने के बारे में कोई सुराग नहीं है। फिल्म की शुरुआत शंकर को एक भोले भोले आदमी के रूप में स्थापित करने से होती है, जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। हालांकि जैसी जैसी फिल्म आगे चलती है तो हमें दिखाया जाता है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाया गया है। और अगर आप किसी भारतीय फिल्म का आलंकन किया है तो कौन नायक आदर्श और तो अपने आप पहले से ही जान ले कि यह सब किस ओर जा रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म का पहला भाग कई टैक्स के बीच घूम रहा है, जिसमें मेहर कुछ सीरियस टू चुटकुले सुनाने के और अच्छे उपाय के लिए दोस्त गीत के बीच संघर्ष कर रही है, क्योंकि क्यों नहीं। बाद में किसी भी फिल्म ने कुछ खास बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इंटरवल ने आपको सबसे घटिया पोस्ट की फिल्म के अंतिम शरण के कुछ दृश्य ही सबसे अच्छे है। मेहर फैन सर्विस में चिरंजीवी के स्टारडम बारे में संवाद के सूत्र है जो हमेशा काम नहीं करते हैं। वह रामचरण या पावन कल्याण को अपनी टोपी के देने की भी बहुत कोशिश करती है। श्रीमुखी और रश्मि गौतम को केवलम वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए लाया गया है और चिरंजीवी के साथ श्रीमुखी के कुछ दृश्य आपको याद आएंगे। इस फिल्म में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन कुछ भी जमीन पर उतरना नहीं दिख रहा है। महती स्वरा सागर का संगीत सबसे अच्छा है, हालांकि डुडले की सिनेमेटोग्राफी फिल्म को मदद करती है। चिरंजीवी को अपने किरदारों में जानवादी पूरी खुशी कोशिश की है, लेकिन एक पुरानी फिल्म को ऊंचा उठाने में के लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी नया नहीं है। हमेशा की तरह प्रसिद्ध कीर्ति सुरेश ने अपनी भूमिका निभाई है। दोस्तों, पिछले एक दशक से सभी देख रहे हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में रीमेक फिल्मों का चलन कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अभी तक की कई फिल्में रीमेक बनी है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसा कमाया है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी है जो बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट निकालने में भी कामयाब नहीं हो पाई, बल्कि पिछले कुछ समय से ऑडियंस का टेस्ट भी बदल रहा है, इसलिए अधिकांश रीमेक फिल्में सफल नहीं हो पा रही है। खैर, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि रिलीज भोला शंकर के बारे में, जो भोला शंकर हाल ही में 11 अगस्त को रिलीज हुई है। हालांकि एक तेलुगु फिल्म है, लेकिन इसके साथ कई और भाषाओं में फिल्में सिनेमाघरों में टिकी हुई है। इनमें से एक तमिल फिल्म जेलर है जो कि 10 अगस्त रिलीज हुई थी और रजनीकांत लीड रोल में है, जबकि हिंदी बेल्ट में गदर 2 और OMG 2 रिलीज हुई है। साथ ही 11 अगस्त को ही एक हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन भी रिलीज हुई है, जो कि सिनेमाघरों में नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। भोला शंकर फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो फिल्म में चिरंजीवी ने शंकर टैक्सी ड्राइवर का रोल प्ले किया है। इनके अलावा फिल्म में कीर्ति सुरेश इनकी बहन के रोल में नजर आई है। साथ ही तमन्ना ने अब फिल्म में अधिवक्ता लस्य का किरदार निभाया है। बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन मेहर रमेश ने किया है। 2015 की इसीलिए तमिल फिल्म का रीमेक है। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि चिरंजीवी स्टारिंग भोला शंकर साल 2015 में रिलीज हुई तमिल सुपरस्टार अजित कुमार की फिल्म वेदालम का ऑफिशियल रीमेक है।
इसलिए फिल्म देखते हुए उसकी कहानी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम नहीं है। भोला शंकर फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो जिन्होंने फिल्म वेदालम देखी है उन्होंने पता है कि फिल्म की कहानी क्या होने वाली है, इसलिए इसका स्पॉइलर देने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे फिर भी इसके बारे में बात करें तो इसकी कहने की शुरुआत होती है महिला तस्करी से। शंकर अपनी बहन महा यानी कि कीर्ति सुरेश के साथ कोलकाता रहने के लिए आता है। इसी दौरान अपना जीवन चलाने के लिए अपनी बहन की पढ़ाई पूरी करने के लिए शंकर एक टैक्सी ड्राइवर का काम करने लग जाता है, लेकिन पुलिस वालों की मदद करने के लिए एक बार वो बुरी तरह से फंस जाता है। अब शंकर का एक अतीत है जिसके बारे में वो किसी को बताता नहीं चाहता है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो सामने आ ही जाता है। उसे अपने परिवार को भी बचाना है, साथ ही में वह सबसे अलग रहना है। ऐसे में वो कैसे इन सभी समस्याओं का सामना करता है और कैसे इन सब से बाहर निकलता है, ये आपको फिल्म में दिखाया जाएगा। एक्टिंग के मामले में देखा जाए तो अजय तो फिल्म में चिरंजीवी अपनी जगह फिट दिखाई देते हैं और तमन्ना भी अपनी जगह सही है, लेकिन कीर्ति सुरेश को काफ़ी कम स्क्रीन पेस दिया गया है, जबकि वो एक सुलझी हुई एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस के लिहाज से देखा जाए तो अजय तो सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन पे को देखकर नए नेगेटिव पॉइंट निकलकर सामने आते हैं। फिल्म में नेगेटिव पॉइंट बताने से पहले इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। फिल्म का प्लस पॉइंट सिर्फ चिरंजीवी है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, एक्शन हो या फिर डांस, सभी में उन्हें महत्तर हासिल और थिएटर में सीटियाँ और तालियां बजवाने के लिए इतना काफ़ी है। इसके अलावा फिल्म का प्लस पॉइंट यह हमें नज़र नहीं आता है। अब बात करेंगे भोला शंकर फिल्म के कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में, क्योंकि 2015 में आई वेदालम की रीमेक है, इसीलिए इस फिल्म में सभी को उम्मीद थी, लेकिन उन्हें फिल्म में कुछ तो नया देखने को नहीं मिला, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिल्म में लगभग सभी सीन कॉपी किए गए हैं। इसके अलावा वेदालम आज से करीब 8 साल पुरानी है, इसीलिए भोला शंकर को थोड़ा अपग्रेड करने के लिए बाद दिखाना चाहिए था। आपने देखा होगा कि फिल्म वेदालम के लिए अजित कुमार ने काफ़ी मेहनत की थी, खासकर अपने लुक के लिए उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि अलग अलग टाइम लाने के लिए उन्होंने अलग अलग लुक्स अपनाए थे, जबकि वही दूसरी ओर चिरंजीवी ने इन सब चीज़ों में ज़्यादा मेहनत नहीं की है। फिल्म में कई सीन्स ऐसे हैं जो हूबहू अजित कुमार की वेदालम की कॉपी किए गए हैं। साथ ही स्टोरी एक जैसी होने की वजह से ऑडियंस को देखते हुए पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। इन सब के अलावा फिल्म का म्यूजिक भी कुछ खास नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर ने इन सब पर सही ढंग से काम नहीं किया है। ओरिजिनल ब्लॉकबस्टर तो सभी इसके भरोसे रही है। बाकी स्टार्स की तरह अगर चिरंजीवी को भी आगे काम करना है तो रीमेक फिल्मों से परहेज करना होगा, क्योंकि इससे पहले भी वो कई रीमेक कर चुके हैं। इन फिल्मों में कैदी नंबर 150 और गॉडफादर जैसी फिल्में शामिल है। एक टाइम था जब चिरंजीवी को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड कायम करती थी। हालांकि उनकी फैन फॉलोइंग अभी भी काफ़ी है, लेकिन अगर ऐसा रहा तो इनका करियर भी खत्म हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। इस मूवी के स्टोरी लाइन की बात करें तो शंकर एक टैक्सी ड्राइवर है जो अपनी प्यारी बहन महालक्ष्मी के साथ हैदराबाद से कोलकाता की यात्रा पर निकलता है। एक कला महाविद्यालय में उसका प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए कोलकाता में उनका आगमन उन्हें कोलकाता काली से परिचित कराता है, जो एक अप्रत्याशित दोस्त बन जाती है और सहायता की पेशकश करती है। महा के कॉलेज में बसने के साथ शंकर वामसी की कैब कंपनी में शामिल हो गया, जिससे उसकी मुलाकात भयंकर वकील लस्या से हुई। लस्या ने चालाकी से शंकर को एक नाटक में शामिल किया, जहां वह अपना एक मामले में मुख्य प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत हुआ। हालांकि शंकर के अप्रत्याशित शब्द चाल का पर्दाफाश करते देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक शर्मनाक प्रकरण सामने आता है। वामसी ने शंकर को लस्या के क्रोध से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, जिससे लस्या और वामसी के बीच गठबंधन का मंच तैयार हुआ, जबकि भावनाएं प्रतिशोध के जाल में उलझी हुई थी। सतह के नीचे जब यह पता चलता है कि वह महा और श्रीकर को गुप्त रूप से प्यार हो गया है, तो मंच पर एक मोड़ आ जाता है, जिसके अप्रत्याशित परिणाम उनके भाग्य में उलझ जाते हैं।
शंकर और उसके साथी कैब ड्राइवर को भी डीसीपी यशपाल द्वारा एक कुख्यात अपराध सिंडिकेट की भयावह कार्यप्रणाली का पता लगाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। शंकर को हथियारों की तस्करी का सामना एक मामला मिलता है जिससे कुर्क बैटली और उसके गुर्ग क्रोधित हो जाते हैं। एक मुठभेड़ शुरू हो जाती है जब शंकर अकेले ही ब्रेटली से भिड़ जाता है। पता चलता है कि ब्रेटली शंकर का लंबे समय से खोया हुआ भाई है जो कि एक दुखद गलतफहमी के कारण बचपन में अलग हो गया था। साल्स ब्रेटली का भाई सामने आ रही अराजकता की जांच करने के लिए आता है। जब शंकर साल्स और उसके दोस्त का सामना करता है तो एक टकराव शुरू हो जाता है। साल्स ने अपनी दुखद अतीत का खुलासा किया जिससे शंकर और साल्स के बीच के एक आम दुश्मन के खिलाफ गठबंधन हुआ। लाशा शंकर की खोज में टकराव का गवाह बनती है जिससे वह अपने कर्तव्य और उसके प्रति बढ़ते स्नेह के बीच फंस जाती है। जैसे ही शंकर की दोहरी पहचान के बारे में चर्चाएं सामने आती है तो लाशा को एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है जो हर किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है। फ्लैशबैक दर्शकों की एक श्रृंखला में शंकर और महालक्ष्मी के पहले की जीवन की झलक मिलती है जहाँ कुख्यात जोड़ी भोला और महा न्याय लागू करने वालों से डरती थी। उन्हें रास्ते में महालक्ष्मी के माता पिता के साथ टकराए गए जिससे घटनाएं की एक श्रृंखला शुरू हो गई जो उन्हें नीति के साथ टकराव की राह पर ले जाएगी। वर्तमान में शंकर के अपने नए परिवार के प्रति वफादारी की प्रतीक्षा होती है क्योंकि वह चालक सिंडिकेट मास्टरमाइंड एलेक्स से महालक्ष्मी को बचाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ लगाता है। कोलकाता की भूलभुलैया वाली सड़कों पर पीछा करने की परिणित एक टकराव में होती है जहां शंकर को एलेक्स के अपने अतीत से संबंध के बारे में चौंकाने वाली सच्चाई का पता लगाना होता है। जैसे ही धूल जम जाती है और भाग्य के धागे आपस में जुड़ जाते हैं शंकर और महालक्ष्मी हैदराबाद लौट आते हैं। उनका जीवन एक ऐसी यात्रा से हमेशा के लिए बदल जाता है जिससे लंबे समय से दबे हुए रजस्व का उजागर किया, खोए हुए इस बंधनों को फिर से जगाया और प्यार वफादारी और मुक्ति की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया। प्रारंभ में साई पल्लवी को फिल्म में सिरंजीवी की बहन की भूमिका के लिए संपर्क किया गया था लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें रीमेक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके स्थान पर कीर्ति सुरेश को लिया गया। संगीत निर्देशक मनीष शर्मा के बेटे महति सुवर्णसागर को इस फिल्म में संगीतकार के रूप में साइन किया गया था। सही राह नरसिम्हा रेड्डी के बाद उनके दूसरे सहयोग में चिरंजीवी के साथ तमन्ना भाटिया को कास्ट किया गया है। 11 नवंबर 2021 को एक आधिकारिक लॉन्च आयोजित किया गया था। उन्होंने 15 नवंबर 2021 को फिल्मांकन की शुरू किया और मई 2023 में शूटिंग का आखिर दौर पूरा किया। ऑजिस्टर वेदालम के इस प्राचीन रीमेक के साथ मेहर रश अपनी किस्मत और आपकी हिम्मत दोनों का परीक्षण करते हैं। यह फिल्म जो एक व्यावसायिक पॉट बॉयलर बनने का वादा करती है, अंत में तीन अलग अलग कहानियों का मिश्रण है। इससे भी बुरी बात यह है कि सभी कहानियां सबसे अच्छी स्थिति में पुरानी है और सबसे खराब स्थिति में भी कहानियाँ है। शंकर अपनी बहन महालक्ष्मी नेका मैन के महाकीर्ति सुरेश को एक कला व महाविद्यालय में जाने के लिए हैदराबाद से कोलकाता आते हैं। वह रोड शो के लिए घर गई और उसके मुलाकात एक आपराधिक वकील लाश्या से हुई। लाश्या का भाई श्रीकर यानी कि सुशांत ये महा के प्यार में पड़ जाता है, भले ही खुद पर शंकर के साथ प्रेम नफरत का रिश्ता सजा करता है। और जब मेयर लाश्या पर चुटकुले सुनाना मूड को प्रभावित करने के लिए ब्रह्मानंदम और वेनेला किशोर को शामिल करने के लिए आदि में शामिल हो गए तो कोलकाता में कुछ और भी गंभीर हो रहा है। आप देखिए, शहर में भर में युवा में लड़कियों का अपहरण हो रहा है और पुलिस वालों की लापरवाही कानून परिवर्तन के पास माफिया को पकड़ने के बारे में कोई सुराग नहीं है। फिल्म की शुरुआत शंकर को एक भोले आदमी के रूप में स्थापित करने से होती है जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। हालांकि जैसी जैसी फिल्म आगे चलती है तो हमें दिखाया जाता है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाया गया है। और अगर आप किसी भारतीय फिल्म का आलंकन किया है तो
कौन नायक आदर्श और तो अपने आप पहले से ही जान ले कि यह सब किस ओर जा रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म का पहला भाग कई टैक्स के बीच घूम रहा है, जिसमें मेहर कुछ सीरियस टू चुटकुले सुनाने के और अच्छे उपाय के लिए दोस्त गीत के बीच संघर्ष कर रही है, क्योंकि क्यों नहीं। बाद में किसी भी फिल्म ने कुछ खास बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इंटरवल ने आपको सबसे घटिया पोस्ट की फिल्म के अंतिम चरण के कुछ दृश्य ही सबसे अच्छे है। मेहर फैन सर्विस में चिरंजीवी के स्टारडम बारे में संवाद के सूत्र है जो हमेशा काम नहीं करते हैं। वह रामचरण या पावन कल्याण के अपनी टोपी के देने की भी बहुत कोशिश करती है। श्रीमुखी और रश्मि गौतम को केवलम वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए लाया गया है, और चिरंजीवी के साथ श्रीमुखी के कुछ दृश्य आपको याद आएंगे। इस फिल्म में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ भी जमीन पर उतरना नहीं दिख रहा है। महती स्वरा सागर का संगीत सबसे अच्छा है, हालांकि डुडले की सिनेमेटोग्राफी फिल्म को मदद करती है। चिरंजीवी को अपने किरदारों में जानवादी पूरी खुशी कोशिश की है, लेकिन एक पुरानी फिल्म को ऊंचा उठाने में के लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी नया नहीं है। हमेशा की तरह प्रसिद्ध कीर्ति सुरेश ने अपनी भूमिका निभाई है। दोस्तों, पिछले एक दशक से सभी देख रहे हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में रीमेक फिल्मों का चलन कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अभी तक की कई फिल्में रीमेक बनी है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसा कमाया है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी है जो बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट निकालने में भी कामयाब नहीं हो पाई, बल्कि पिछले कुछ समय से ऑडियंस का टेस्ट भी बदल रहा है, इसीलिए अधिकांश रीमेक फिल्में सफल नहीं हो पा रही है। खैर, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि रिलीज भोला शंकर के बारे में, जो भोला शंकर हाल ही में 11 अगस्त को रिलीज हुई है। हालांकि एक तेलुगु फिल्म है, लेकिन इसके साथ कई और भाषाओं में फिल्में सिनेमाघरों में टिकी हुई है। इनमें से एक तमिल फिल्म जेलर है जो कि 10 अगस्त रिलीज हुई थी और रजनीकांत लीड रोल में है, जबकि हिंदी बेल्ट में गदर 2 और OMG 2 रिलीज हुई है। साथ ही 11 अगस्त को ही एक हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन भी रिलीज हुई है, जो कि सिनेमाघरों में नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। भोला शंकर फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो फिल्म ने चिरंजीवी ने शंकर टैक्सी ड्राइवर का रोल प्ले किया है। इनके अलावा फिल्म में कीर्ति सुरेश इनकी बहन के रोल में नजर आई है। साथ ही तमन्ना ने अब फिल्म में अधिवक्ता लक्ष्य का किरदार निभाया है। बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन मेहर रमेश ने किया है। 2015 की इसीलिए तमिल फिल्म का रीमेक है। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि चिरंजीवी स्टारिंग भोला शंकर साल 2015 में रिलीज हुई तमिल सुपरस्टार अजित कुमार की फिल्म वेदालम का ऑफिशियल रीमेक है, इसलिए फिल्म देखते हुए उसकी कहानी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम नहीं है। भोला शंकर फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो जिन्होंने फिल्म वेदालम देखी है उन्होंने पता है कि फिल्म की कहानी क्या होने वाली है, इसलिए इसका स्पॉइलर देने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे फिर भी इसके बारे में बात करें तो इसकी कहने की शुरुआत होती है महिला तस्करी से। शंकर अपनी बहन महा यानी कि कीर्ति सुरेश के साथ कोलकाता रहने के लिए आता है। इसी दौरान अपना जीवन चलाने के लिए अपनी बहन की पढ़ाई पूरी करने के लिए शंकर एक टैक्सी ड्राइवर का काम करने लग जाता है, लेकिन पुलिस वालों की मदद करने के लिए एक बार वो बुरी तरह से फंस जाता है। अब शंकर का एक अतीत है जिसके बारे में वो किसी को बताता नहीं चाहता है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो सामने आ ही जाता है। उसे अपने परिवार को भी बचाना है, साथ ही में वह सबसे अलग रहना है। ऐसे में वो कैसे इन सभी समस्याओं का सामना करता है और कैसे इन सब से बाहर निकलता है, ये आपको फिल्म में दिखाया जाएगा। एक्टिंग के मामले में देखा जाए तो अजय तो फिल्म में चिरंजीवी अपनी जगह फिट दिखाई देते हैं और तमन्ना भी अपनी जगह सही है, लेकिन कीर्ति सुरेश को काफ़ी कम स्क्रीन पेस दिया गया है, जबकि वो एक सुलझी हुई एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस के लिहाज से देखा जाए तो अजय तो सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन पे को देखकर नए नेगेटिव पॉइंट निकल कर सामने आते हैं।
फिल्में नेगेटिव पॉइंट बताने से पहले इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। फिल्म का प्लस पॉइंट सिर्फ चिरंजीवी है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, एक्शन हो या फिर डांस, सभी में उन्हें महत्तर हासिल और थिएटरों में सीटियाँ और तालियां बजवाने के लिए इतना काफ़ी है। इसके अलावा फिल्म का प्लस पॉइंट यह हमें नज़र नहीं आता है। अब बात करेंगे भोला शंकर फिल्म के कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में, क्योंकि 2015 में आई वेदालम की रीमेक है, इसीलिए इस फिल्म में सभी को उम्मीद थी, लेकिन उन्हें फिल्म में कुछ तो नया देखने को नहीं मिला, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिल्म में लगभग सभी सीन कॉपी किए गए हैं। इसके अलावा वेदालम आज से करीब 8 साल पुरानी है, इसीलिए भोला शंकर को थोड़ा अपग्रेड करने के लिए बात दिखाना चाहिए था। आपने देखा होगा कि फिल्म वेदालम के लिए अजित कुमार ने काफ़ी मेहनत की थी, खासकर अपने लुक के लिए उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि अलग अलग टाइम लाने के लिए उन्होंने अलग अलग लुक्स अपनाए थे, जबकि वही दूसरी ओर चिरंजीवी ने इन सब चीज़ों में ज़्यादा मेहनत नहीं की है। फिल्म में कई सीन्स ऐसे हैं जो हूबहू अजित कुमार के वेदालम की कॉपी किए गए हैं। साथ ही स्टोरी एक जैसी होने की वजह से ऑडियंस को देखते हुए पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। इन सब के अलावा फिल्म का म्यूजिक भी कुछ खास नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर ने इन सब पर सही ढंग से काम नहीं किया है। ओरिजिनल ब्लॉकबस्टर तो सभी इसके भरोसे रही है। बाकी स्टार्स की तरह अगर चिरंजीवी को भी आगे काम करना है तो रीमेक फिल्मों से परहेज करना होगा, क्योंकि इससे पहले भी वो कई रीमेक कर चुके हैं। इन फिल्मों में कैदी नंबर 150 और गॉडफादर जैसी फिल्में शामिल है। एक टाइम था जब चिरंजीवी को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड कायम करती थी। हालांकि उनकी फैन फॉलोइंग अभी भी काफ़ी है, लेकिन अगर ऐसा रहा तो इनका करियर भी खत्म हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। इस मूवी के स्टोरी लाइन की बात करें तो शंकर एक टैक्सी ड्राइवर है जो अपनी प्यारी बहन महालक्ष्मी के साथ हैदराबाद से कोलकाता की यात्रा पर निकलता है। एक कला महाविद्यालय में उसका प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए कोलकाता में उनका आगमन उन्हें कोलकाता कॉलेज से परिचित कराता है, जो एक अप्रत्याशित दोस्त बन जाती है और सहायता की पेशकश करती है। वहाँ के कॉलेज में बसने के साथ शंकर वामसी की कैब कंपनी में शामिल हो गया, जिससे उसकी मुलाकात भयंकर वकील लस्या से हुई। लस्या ने चालाकी से शंकर को एक नाटक में शामिल किया, जहां वह अपना एक मामले में मुख्य प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत हुआ। हालांकि शंकर के अप्रत्याशित शब्द चाल का पर्दाफाश करते देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक शर्मनाक प्रकरण सामने आता है। वामसी ने शंकर को लस्या के क्रोध से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, जिससे लस्या और वामसी के बीच गठबंधन का मंच तैयार हुआ, जबकि भावनाएं प्रतिशोध के जाल में उलझी हुई थी। सतह के नीचे जब यह पता चलता है कि वह महा और श्रीकर को गुप्त रूप से प्यार हो गया है, तो मंच पर एक मोड़ आ जाता है, जिसके अप्रत्याशित परिणाम उनके भाग्य में उलझ जाते हैं। शंकर और उसके साथी कैब ड्राइवर को भी डीसीपी यशपाल द्वारा एक कुख्यात अपराध सिंडिकेट की भयावह कार्यप्रणाली का पता लगाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। शंकर को हथियारों की तस्करी का सामना एक मामला मिलता है, जिससे कुर्क बैटली और उसके गुर्ग क्रोधित हो जाते हैं। एक मुठभेड़ शुरू हो जाती है जब शंकर अकेले ही बैटली से भिड़ जाता है। पता चलता है कि ब्रेडली शंकर का लंबे समय से खोया हुआ भाई है, जो कि एक दुखद गलतफहमी के कारण बचपन में अलग हो गया था। साल्स ब्रेडली का भाई सामने आ रही अराजकता की जांच करने के लिए आता है। जब शंकर साल्स और उसके दोस्त का सामना करता है तो एक टकराव शुरू हो जाता है। साल्स ने अपने दुखद अतीत का खुलासा किया, जिससे शंकर और साल्स के बीच के एक आम दुश्मन के खिलाफ गठबंधन हुआ। लस्या शंकर की खोज में टकराव का गवाह बनती है, जिससे वह अपने कर्तव्य और उसके प्रति बढ़ते स्नेह के बीच फंस जाती है। जैसे ही शंकर की दोहरी पहचान के बारे में चर्चाएं सामने आती है, तो लस्या को एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है, जो हर किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है। फ्लैशबैक दर्शकों की एक श्रृंखला में शंकर और महालक्ष्मी के पहले के जीवन की झलक मिलती है, जहाँ कुख्यात जोड़ी भोला और महा न्याय लागू करने वालों से डरती थी। उन्हें रास्ते में महालक्ष्मी के माता पिता के साथ टकराए गए, जिससे घटनाएं की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जो उन्हें
नीति के साथ टकराव की राह पर ले जाएगी। वर्तमान में शंकर की अपने नए परिवार के प्रति वफादारी की प्रतीक्षा होती है, क्योंकि वह चालक सिंडिकेट मास्टरमाइंड एलेक्स से महालक्ष्मी को बचाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ लगाता है। कोलकाता की भूलभुलैया वाली सड़कों पर पीछा करने की परिणीति एक टकराव में होती है, जहां शंकर को एलेक्स के अपने अतीत से संबंध के बारे में चौंकाने वाली सच्चाई का पता लगाना होता है। जैसे ही धूल जम जाती है और भाग्य के धागे आपस में जुड़ जाते हैं, शंकर और महालक्ष्मी हैदराबाद लौट आते हैं। उनका जीवन एक ऐसी यात्रा से हमेशा के लिए बदल जाता है, जिससे लंबे समय से दबे हुए रजस्व का उजागर किया, खोए हुए इस बंधनों को फिर से जगाया और प्यार, वफादारी और मुक्ति की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया। प्रारंभ में साई पल्लवी को फिल्म में सिरंजीवी की बहन की भूमिका के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें रीमेक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके स्थान पर कीर्ति सुरेश को लिया गया। संगीत निर्देशक मनीष शर्मा के बेटे महती सुरासागर को इस फिल्म में संगीतकार के रूप में साइन किया गया था। सही राह नरसिम्हा रेड्डी के बाद उनके दूसरे सहयोग में चिरंजीवी के साथ तमन्ना भाटिया को कास्ट किया गया है। 11 नवंबर 2021 को एक आधिकारिक लॉन्च आयोजित किया गया था। उन्होंने 15 नवंबर 2021 को फिल्मांकन के शुरू किया और मई 2023 में शूटिंग का आखिरी दौर पूरा किया। अजिस्टर वेदालम के इस प्राचीन रीमेक के साथ मेहर रश अपनी किस्मत और आपकी हिम्मत दोनों का परीक्षण करते हैं। यह फिल्म जो एक व्यावसायिक पॉट बॉयलर बनने का वादा करती है, अंत में तीन अलग अलग कहानियों का मिश्रण है। इससे भी बुरी बात यह है कि सभी कहानियां सबसे अच्छी अवस्थिति में पुरानी है और सबसे खराब स्थिति में भी कहानियाँ है। शंकर अपनी बहन महालक्ष्मी नेका मैन की महा कीर्ति सुरेश को एक कला व महाला विद्यालय में जाने के लिए हैदराबाद से कोलकाता आते हैं। वह रोड शो के लिए घर गई और उसके मुलाकात एक आपराधिक वकील लस्या से हुई। लस्या का भाई श्रीकर यानी कि सुशांत ये महा के प्यार में पड़ जाता है, भले ही खुद पर शंकर के साथ प्रेम नफरत का रिश्ता सजा करता है। और जब मेयर लस्या पर चुटकुले झुनाना मूड को प्रभावित करने के लिए ब्रह्मानंदम और वेनेला किशोर को शामिल करने के लिए आदि में शामिल हो गए, तो कोलकाता में कुछ और भी गंभीर हो रहा है। आप देखिए, शहर में भर में युवा में लड़कियों का अपहरण हो रहा है और पुलिस वालों की लापरवाही कानून प्रवर्तन के पास माफिया को पकड़ने के बारे में कोई सुराग नहीं है। फिल्म की शुरुआत शंकर को एक भोले आदमी के रूप में स्थापित करने से होती है, जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। हालांकि जैसी जैसी फिल्म आगे चलती है तो हमें दिखाया जाता है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाया गया है। और अगर आप किसी भारतीय फिल्म का आलंकन किया है तो कौन नायक आदर्श और तो अपने आप पहले से जान ले कि यह सब किस ओर जा रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म का पहला भाग कई टैक्स के बीच घूम रहा है, जिसमें मेहर कुछ सीरियस टू चुटकुले सुनाने के और अच्छे उपाय के लिए दोस्त गीत के बीच संघर्ष कर रही है, क्योंकि क्यों नहीं। बाद में किसी भी फिल्म ने कुछ खास बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इंटरवल ने आपको सबसे घटिया पोस्ट की फिल्म के अंतिम चरण के कुछ दृश्य ही सबसे अच्छे है। मेहर फैन सर्विस में चिरंजीवी के स्टारडम बारे में संवाद के सूत्र है जो हमेशा काम नहीं करते हैं। वह रामचरण या पावन कल्याण के अपनी टोपी के देने की भी बहुत कोशिश करती है। श्रीमुखी और रश्मि गौतम को केवलम वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए लाया गया है और चिरंजीवी के साथ श्रीमुखी के कुछ दृश्य आपको याद आएंगे। इस फिल्म में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ भी जमीन पर उतरना नहीं दिख रहा है। महती स्वरासागर का संगीत सबसे अच्छा है, हालांकि डुडले की सिनेमेटोग्राफी फिल्म को मदद करती है। चिरंजीवी को अपने किरदारों में जानवादी पूरी खुशी कोशिश की है, लेकिन एक पुरानी फिल्म को ऊंचा उठाने में के लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी नया नहीं है। हमेशा की तरह प्रसिद्ध कीर्ति सुरेश ने अपनी भूमिका निभाई है। दोस्तों,
पिछले एक दशक से सभी देख रहे हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में रीमेक फिल्मों का चलन कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अभी तक की कई फिल्में रीमेक बनी हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसा कमाया है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट निकालने में भी कामयाब नहीं हो पाई, बल्कि पिछले कुछ समय से ऑडियंस का टेस्ट भी बदल रहा है, इसीलिए अधिकांश रीमेक फिल्में सफल नहीं हो पा रही है। खैर, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि रिलीज भोला शंकर के बारे में, जो भोला शंकर हाल ही में 11 अगस्त को रिलीज हुई है। हालांकि एक तेलुगु फिल्म है, लेकिन इसके साथ कई और भाषाओं में फिल्में सिनेमाघरों में टिकी हुई है। इनमें से एक तमिल फिल्म जेलर है जो कि 10 अगस्त रिलीज हुई थी और रजनीकांत लीड रोल में है, जबकि हिंदी बेल्ट में गदर 2 और OMG 2 रिलीज हुई है। साथ ही 11 अगस्त को ही एक हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन भी रिलीज हुई है, जो कि सिनेमाघरों में नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। भोला शंकर फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो फिल्म में चिरंजीवी ने शंकर टैक्सी ड्राइवर का रोल प्ले किया है। इनके अलावा फिल्म में कीर्ति सुरेश इनकी बहन के रोल में नजर आई है। साथ ही तमन्ना ने अब फिल्म में अधिवक्ता लक्ष्य का किरदार निभाया है। बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन मेहर रमेश ने किया है। 2015 की इसीलिए तमिल फिल्म का रीमेक है। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि चिरंजीवी स्टारिंग भोला शंकर साल 2015 में रिलीज हुई तमिल सुपरस्टार अजित कुमार की फिल्म वेदालम का ऑफिशियल रीमेक है, इसलिए फिल्म देखते हुए उसकी कहानी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम नहीं है। भोला शंकर फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो जिन्होंने फिल्म वेदालम देखी है उन्होंने पता है कि फिल्म की कहानी क्या होने वाली है, इसलिए इसका स्पॉइलर देने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे फिर भी इसके बारे में बात करें तो इसकी कहने की शुरुआत होती है महिला तस्करी से। शंकर अपनी बहन महा यानी कि कीर्ति सुरेश के साथ कोलकाता रहने के लिए आता है। इसी दौरान अपना जीवन चलाने के लिए अपनी बहन की पढ़ाई पूरी करने के लिए शंकर एक टैक्सी ड्राइवर का काम करने लग जाता है, लेकिन पुलिस वालों की मदद करने के लिए एक बार वो बुरी तरह से फंस जाता है। अब शंकर का एक अतीत है जिसके बारे में वो किसी को बताता नहीं चाहता है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो सामने आ ही जाता है। उसे अपने परिवार को भी बचाना है, साथ ही में वह सबसे अलग रहना है। ऐसे में वो कैसे इन सभी समस्याओं का सामना करता है और कैसे इन सब से बाहर निकलता है, ये आपको फिल्म में दिखाया जाएगा। एक्टिंग के मामले में देखा जाए तो अजय तो फिल्म में चिरंजीवी अपनी जगह फिट दिखाई देते हैं और तमन्ना भी अपनी जगह सही है, लेकिन कीर्ति सुरेश को काफ़ी कम स्क्रीन पेस दिया गया है, जबकि वो एक सुलझी हुई एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस के लिहाज से देखा जाए तो अजय तो सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन पे को देख कर नए नेगेटिव पॉइंट निकल कर सामने आते हैं। फिल्म में नेगेटिव पॉइंट बताने से पहले इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। फिल्म का प्लस पॉइंट सिर्फ चिरंजीवी है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, एक्शन हो या फिर डांस, सभी में उन्हें महत्तर हासिल और थिएटरों में सीटियाँ और तालियां बजवाने के लिए इतना काफ़ी है। इसके अलावा फिल्म का प्लस पॉइंट यह हमें नज़र नहीं आता है। अब बात करेंगे भोला शंकर फिल्म के कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में, क्योंकि 2015 में आई वेदालम की रीमेक है, इसीलिए इस फिल्म में सभी को उम्मीद थी, लेकिन उन्हें फिल्म में कुछ तो नया देखने को नहीं मिला, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिल्म में लगभग सभी सीन कॉपी किए गए हैं। इसके अलावा वेदालम आज से करीब 8 साल पुरानी है, इसीलिए भोला शंकर को थोड़ा अपग्रेड करने के लिए बात दिखाना चाहिए था। आपने देखा होगा कि फिल्म वेदालम के लिए अजित कुमार ने काफ़ी मेहनत की थी, खासकर अपने लुक के लिए उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि अलग अलग टाइम लाने के लिए उन्होंने अलग अलग लुक्स अपनाए थे, जबकि वही दूसरी ओर चिरंजीवी ने इन सब चीज़ों में ज़्यादा मेहनत नहीं की है। फिल्म में कई सीन्स ऐसे हैं जो हूबहू अजित कुमार की वेदालम की कॉपी किए गए हैं। साथ ही स्टोरी एक जैसी होने की वजह से ऑडियंस को देखते हुए पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। इन सब के अलावा फिल्म का म्यूजिक भी कुछ खास नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर ने इन सब पर सही ढंग से काम नहीं किया है। ओरिजिनल ब्लॉकबस्टर तो सभी इसके भरोसे रही है। बाकी स्टार्स की तरह अगर चिरंजीवी को भी आगे काम करना है तो रीमेक फिल्मों से परहेज करना होगा, क्योंकि इससे पहले भी वो कई रीमेक कर चुके हैं।
इन फिल्मों में कैदी नंबर 150 और गॉडफादर जैसी फिल्में शामिल है। एक टाइम था जब श्रीदेवी को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड कायम करती थी। हालांकि उनकी फैन फॉलोइंग अभी भी काफ़ी है, लेकिन अगर ऐसा रहा तो इनका करियर भी खत्म हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। इस मूवी के स्टोरी लाइन की बात करें तो शंकर एक टैक्सी ड्राइवर है जो अपनी प्यारी बहन महालक्ष्मी के साथ हैदराबाद से कोलकाता की यात्रा पर निकलता है। एक कला महाविद्यालय में उसका प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए कोलकाता में उनका आगमन उन्हें कोलकाता काली से परिचित कराता है, जो एक अप्रत्याशित दोस्त बन जाती है और सहायता की पेशकश करती है। वहाँ के कॉलेज में बसने के साथ शंकर वामसी की कैब कंपनी में शामिल हो गया, जिससे उसकी मुलाकात भयंकर वकील लस्या से हुई। लस्या ने चालाकी से शंकर को एक नाटक में शामिल किया, जहां वह अपना एक मामले में मुख्य प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत हुआ। हालांकि शंकर के अप्रत्याशित शब्द चाल का पर्दाफाश करते देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक शर्मनाक प्रकरण सामने आता है। वामसी ने शंकर को लस्या के क्रोध से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, जिससे लस्या और वामसी के बीच गठबंधन का मंच तैयार हुआ, जबकि भावनाएं प्रतिशोध के जाल में उलझी हुई थी। सतह के नीचे जब यह पता चलता है कि वह महा और श्रीकर को गुप्त रूप से प्यार हो गया है, तो मंच पर एक मोड़ आ जाता है, जिसके अप्रत्याशित परिणाम उनके भाग्य में उलझ जाते हैं। शंकर और उसके साथी कैब ड्राइवर को भी डीसीपी यशपाल द्वारा एक कुख्यात अपराध सिंडिकेट की भयावह कार्यप्रणाली का पता लगाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। शंकर को हथियारों की तस्करी का सामना एक मामला मिलता है, जिससे कुर्क बैटली और उसके गुर्ग क्रोधित हो जाते हैं। एक मुठभेड़ शुरू हो जाती है जब शंकर अकेले ही बैटली से भिड़ जाता है। पता चलता है कि ब्रेडली शंकर का लंबे समय से खोया हुआ भाई है, जो कि एक दुखद गलतफहमी के कारण बचपन में अलग हो गया था। साल्स ब्रेडली का भाई सामने आ रही अराजकता की जांच करने के लिए आता है। जब शंकर साल्स और उसके दोस्त का सामना करता है तो एक टकराव शुरू हो जाता है। साल्स ने अपनी दुखद अतीत का खुलासा किया, जिससे शंकर और साल्स के बीच के एक आम दुश्मन के खिलाफ गठबंधन हुआ। लस्या शंकर की खोज में टकराव का गवाह बनती है, जिससे वह अपने कर्तव्य और उसके प्रति बढ़ते स्नेह के बीच फंस जाती है। जैसे ही शंकर की दोहरी पहचान के बारे में चर्चाएं सामने आती है, तो लस्या को एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है, जो हर किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है। फ्लैशबैक दर्शकों की एक श्रृंखला में शंकर और महालक्ष्मी के पहले की जीवन की झलक मिलती है, जहाँ कुख्यात जोड़ी भोला और महा न्याय लागू करने वालों से डरती थी। उन्हें रास्ते में महालक्ष्मी के माता पिता के साथ टकराए गए, जिससे घटनाएं की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जो उन्हें नीति के साथ टकराव की राह पर ले जाएगी। वर्तमान में शंकर के अपने नए परिवार के प्रति वफादारी की प्रतीक्षा होती है, क्योंकि वह चालक सिंडिकेट मास्टरमाइंड एलेक्स से महालक्ष्मी को बचाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ लगाता है। कोलकाता की भूलभुलैया वाली सड़कों पर पीछा करने की परिणित एक टकराव में होती है, जहां शंकर को एलेक्स